चलिए मौज तो लीजिए, तब तो आप लोग स्टार्ट करिए। अपना नया बजट आ रहा है, तो बजट में क्या क्या नई चीजें लेके आ रहे हो, कुछ सजेशन भेजे हैं आपने नितिन जी? सर मेनली तो सर ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, कैपिटल गेन जो आप देखना पूरा चेंज हो जाएगा सर, कैपिटल गेन में बहुत चीजें चेंज कर देंगे। अच्छा ओके, ऑलरेडी दे मेड अप देयर माइंड और कि कैपिटल गेन में बहुत चेंज लेके आ रहे हैं। क्या क्या लेके आ रहे हैं कैपिटल गेन? सर मोटा मोटा कहीं तो मुझे लग रहा है में शायद जो डिफरेंस है ना वो खत्म कर देंगे, वन थिंग। दूसरी बात शायद जो आपकी डिडक्शन है 54 54F ये सब बढ़ेगी सर, खत्म बढ़ेगा सर। कर दें, हाँ जी हाँ जी रीइन्वेस्टमेंट को एडवांटेज नहीं देंगे? सर, वो उनका पर्पस क्या है सर? वो कह रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स, वो कह रहे हैं हम टैक्स का रेट हम कर रहे हैं आपका, तो व्हाई यू नीड रिडक्शन ऑल दैट स्टफ, वो धीरे धीरे कम करेंगे मतलब जितनी भी डिडक्शन है इनकम टैक्स में वो घटाना चाहते हैं, हटाना धीरे। हाँ चाहते जी हाँ जी, टारगेटिंग का यही सर। दो दे हैवन गॉट एनी वेरी गुड फीडबैक, जो इन्होंने 115 BAC निकाला सर उसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला नहीं है इनको, तो दो दे ट्राई दे चाहते यही है कि लोग अपनी एग्जम्पशन और ये डिडक्शन भूल जाए। हैं। चलिए लेट्स सी क्या होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का तो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए सर। मैं सर जो है आपकी एकदम बात सही है, ऑफिस बात है, और मोहन जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि एंड ऑफ द डे जब आप 54 54F लेते हो तो रियल एस्टेट को भी बूस्ट मिलता ही है, और रियल एस्टेट बहुत बड़ा बिजनेस है हमारे यहाँ आज की डेट में, बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हैविंग सेड दैट, अब क्या होता है सर पॉलिसी मैटर में, दे ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड होगा क्या नहीं होगा। नहीं, ठीक है, कहीं कहीं देखा जाए। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि हमारी कंट्री में 2.3% लैंड एरिया है, राइट और नितिन जी टोटल पॉपुलेशन 18.4% ऑफ द होल वर्ल्ड है। हाँ जी तो जैसे चाइना में मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स एंड लैंड इज ऑफिसेज आर ओन्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट, यस और बड़े नॉमिनल रेंट रेंट पर उसको फिर आगे लीज आउट करते हैं। एकदम ठीक है सर। तो हाउसिंग पे या लैंड पर जो हम स्पेकुलेशन करते हैं, या हम खुश होते हैं कि 4 गुना 10 गुना बढ़ गए, वो पैसे इकोनॉमी से तो निकल जाते हैं। एकदम ठीक है सर, एकदम आज ठीक है। आदमी ने किसी ने 50 लाख का फ्लैट यदि 5 करोड़ में खरीदा है तो इकोनॉमी से तो निकल गया ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमारी कंट्री जब तक रियल एस्टेट को जैम नहीं कर देगी बिल्कुल, तब तक प्रोडक्टिव डेवलपमेंट में पैसा लगेगा ही नहीं। इट ऑल डिपेंड सर, ऐसा नहीं है जैसे मान लो मैं रियल एस्टेट में हूँ और मान लो हाइपोथेटिकली मोहन जी भी हैं, जो आपने 5 करोड़ रुपए दिए, आप ये भूल जाओ एक नंबर दिए दो नंबर में दिए, तो क्या मोहन जी और मैं क्या करेंगे उस पैसे का? हम तो कहीं ना कहीं वापस करके डालेंगे ना, फिर जमीन खरीदेंगे, अब फिर जमीन खरीदे इंडस्ट्रीज बता, या जमीन खोलेंगे, खरीदेंगे या फिर मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट चाहिए, वो सीमेंट चाहिए, तो सब कुछ बहुत कम है सर। जो जो मेन जो रियल एस्टेट मनी है ना, वो रियल एस्टेट में घूम रहा है। एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लगाया 200 करोड़ रुपए का, उसको 500 करोड़ में बेचा, तो उसने 500 करोड़ रुपए दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिए। सारी हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड जो हैबिटेट लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है हाँ वो आपकी बात अर्बन सही में। है, वो बात आपकी बात सही है, वो बात पॉइंट सही है, वो एक स्टेज के आई एम लुकिंग एट कि वो 500 करोड़ रुपए जो है विदेशों का 5,000 करोड़ रुपए लगा के प्रोडक्शन में लगेंगे। वो आपकी बात समझ गए, वो आपकी वो पॉइंट एकदम ठीक है, वो पॉइंट वेल टेकन है, क्योंकि अभी तो हमें हमें फील नहीं हो रहा, एक स्टेज के बाद हमें फील होना शुरू हो जाएगा जब जब खाने के लिए चीजें उस हिसाब से वो नहीं मिलती। देखिए खाना आप देखिए ना, सब नकली खाना खा रहे हैं हम लोग, सारा नकली खाना खा रहे हैं। आप यदि नोटिस करेंगे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए आया कि हमारी ऑर्गेनिक खेती पूरी नहीं हो रही थी। एकदम ठीक सर, मैं पूसा के पास गया हूँ, अभी 10 साल से मैं जा रहा हूँ कई बार, तो अब ये जितनी भी हम खाना खा रहे हैं वो सब केमिकल का है, चाहे फर्टिलाइजर है चाहे पेस्टिसाइड है, और सारा कैंसर उसी की वजह से हो रहा है। एकदम ठीक सर, एकदम ठीक। अब यदि इसको हम गोबर पे ला देंगे, नेचुरल प्रोडक्शन ला देंगे, तो प्रोडक्शन हमारा हाफ हो जाएगा एकदम ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी। एकदम ठीक सर, एकदम ठीक, वी नीड लॉट ऑफ लैंड विद नेचुरल प्रोडक्शन। एकदम ठीक। तो मैं अभी इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ, जी मैं फॉर्मली आपको मैं वेलकम करता हूँ। तो माय नेम इज सी ए ब्रजेश अग्रवाल, एंड एज अ कन्वीनर ऑफ सेंट्रल दिल्ली स्टडी सर्कल आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर। इट्स अ ग्रेट सेशन टुडे, एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू इन्वाइट टुडेज स्पीकर सी ए नितिन कन्वर जी, हु हैज अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम।
so I've already called him. So he is a partner into AJKR and Associate, a काफी अच्छी leading firm which is in Gurgaon, Delhi, and in Delhi he has got an office in Daryaganj. So his specialized field is direct taxes, especially the international taxation. He has handled matters of various clients from diverse industries and represented them into various authorities. So Nitinji has received bachelor's degree in commerce from Ramjas College, Delhi, Delhi University. And he has also completed his law from Delhi University and is a fellow member of ICI, our institute, and also hold a certificate on international taxation. So he has built up international tax practice with his in his firm, and deep knowledge of his foreign exchange regulation, transfer pricing has allowed to has a many successful clients he has into multinational companies. And he has discussed on various issues like FDI policy, anti-strategy, setting up offices in India, cross-border tax structuring, transfer pricing, merger and acquisition, inbound investment structuring, and tax controversy matters and other matters. He has got a lot of experience as an individual professional into all these transfer pricing, and tax valuation, and consulting services. और उनके clients भी जो हैं वो international client भी हैं उस client who are has got a headquarter into Denmark, Thailand, Germany, Japan, Belgium, US. So you can say कि ऐसा नहीं है कि international taxation सिर्फ Indian के लिए कर रहे हैं. He has got clients settled and has got their headquarters based abroad also. And he's also a speaker on international taxation, FEMA, Benami transaction, PMLA, transfer pricing, and definitely assessment and reassessment, which he will be speaking today also. Anti-avoidance tax rule, ICDS, charitable trust, and a lot of speaking. He has already spoken to various areas of NIRC, Shimla, Amritsar, Bathinda, Jalandhar, Panipat. Many cities are like that, rather covered the whole NIRC. So we have today a great professional and speakers. He has also written various articles into the newsletter of NIRC. And he has been a deputy convener of East and Central East CP study circle from 2003 to 2015. That means 12 long years. And who's got a membership of a lot of chartered accountants. And you all know that he's been a member of the NIRC also for consecutive two terms. So now I would be requesting Nitinji. I've given him although so much introduction. I mean, many of you, thousands and thousands of you must have access to him personally. And definitely, मैं तो जब भी देखता हूँ उनका हर study circle में कभी ना कभी हर branch में कोई ना कोई program चलता रहता है. और बड़ा अच्छा है कि पॉलिटिक्स में आए हैं लेकिन ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल एंड अ ग्रेट जेंटलमैन. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से अपना समय निकाला है और अपनी एक्सपर्टीज हम लोगों के साथ अपनी असेसमेंट रीअसेसमेंट इन चीजों पर वो अपनी शेयर करें. मोहन जी स्टार्ट करें. बिल्कुल स्टार्ट कर दूं. तो नितिन जी, दिस हाउस इज योर्स नाउ, प्लीज टेक ओवर. So first of all, I just want to thank Bhuvan ji, Brijesh ji, Central Delhi Study Circle for giving this wonderful opportunity. Or as far as Mohan ji is concerned, normally he is very senior to me in NIRC. So we always, कभी भी हमारे को दिक्कत होती थी कि 6 साल में कभी भी दिक्कत हो, हम कोई call Mohan ji कि Mohan ji ऐसे situation में हमें क्या करना चाहिए, तो हम ध्यान रखते थे इस बात का. और as far as Brijesh ji is concerned, to be very frank, since पिछले मतलब 6 सालों में कम से कम 4 साल ऐसे थे जहाँ पे मैं GMC's का चेयरमैन भी था और मुझे इस बात को बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है. सर सर ब्रजेश जी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट. और अदर आई शुड पे अगर मैं एक दो तीन की गिनती करूँ तो पहला नंबर ब्रजेश जी का आता था. वी ऑलवेज लुक एट टू हिम कि सर हमें जीएमसीस का ये प्रोग्राम करना है और इस टॉपिक को ऐसे करना है. तो यू ऑलवेज हैव बीन फुल ऑफ एडवाइजेस कि कैसे अच्छा होना चाहिए. तो मैंने तो 4 साल मेरे को बहुत फायदा हुआ रादर ब्रजेश जी से बहुत चीजें सीखने को मिला. आई हैव लर्नड अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम. Thank you. All of you. Now, let us come to this subject first. Sir, allow me to start my PPT first. Yeah, sure. Please share the PPT. Visible, sir?
अभी खुल रहा है, इज विजिबल नाउ, राइट। तो सर जो आज का टारगेट है, कुछ इनकम टैक्स की असेसमेंट की बात करेंगे और विल टॉक अबाउट सम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट आल्सो। और सर बिफोर आई स्टार्टेड देयर इज वन केवियट आई वांट टू गिव इट। सी आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू कमेंट ऑन द डिसीजंस, वन कैन मेक इट्स ओन असेसमेंट। व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे द रीजंस, रैशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द केसेस एंड द सॉल्यूशन टू द क्वेरी पोस्ट। टारगेट सर ये है कि आई एम नॉट सेइंग, दो मैं काफी चीजों में मैं बताऊंगा कि शायद मेरा पर्सनल मत ये रहेगा कि शायद एक पर्टिकुलर जजमेंट में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, दैट इज माय पर्सनल व्यू। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट बिगर देन दोस पीपल जो हाई कोर्ट बैठे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, दे आर मच मोर वाइजर। तो टारगेट आज का डिसीशन का ये है कि वी हैव टू बिकम मच मोर वाइजर, क्या होना चाहिए, कहाँ पे गलती करी, क्या रह गया, क्या क्या आर्गूमेंट होना चाहिए था, जो आर्गूमेंट नहीं किया गया वो टारगेट है। दैट इज द पर्पज, सो दैट एटलीस्ट अपने केसेस के अंदर हम कैसे काम करें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट वन थिंग। हैविंग सेड दैट सर, मेरी कोशिश होगी, मैंने करीबन काफी सारी जजमेंट्स की एक बनाई हुई है, तो जो मैं एक एक करके खोलूंगा, विल डिस्कस ऑन दोस पर, और आखिरी के 15-20-25 मिनट विल पुट इट ऑन बोगस परचेजेस पे, बहुत बड़ा इश्यूज जो आजकल ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करूंगा इन केस लॉ से, कहीं ना कहीं देखेगा, और मैं बताऊंगा कि बोगस परचेज में अगर एलेज बोगस परचेज का झगड़ा है तो ऐसे केस में आपको, क्योंकि यू हैव टू बिकम अ डेविल्स एडवोकेट, तो आपको सर कैसे जस्टिफाई करना है अपनी चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा अगर बोगस है तो फिर तो रहने दे, पर अगर एलिजिबली बोगस है पर आपके हिसाब से परचेज हम ओके है, फिर क्या क्या हमें काम करना है ताकि एसेसिंग ऑफिसर सर वो एडिशन ना कर पाए जो वो एडिशन करना चाहता है, राइट। और नॉर्मली क्या हो रहा है, बोगस परचेज के अंदर पूरी पूरी परचेज उठा के एडिशन कर रहे हैं, तो वो उस पर डिस्कस करेंगे क्या वो कितना रैशनल है कितना रैशनल नहीं है। नाउ लेट अस कम टू केस ऑफ अस। अच्छा ये नितिन जी, मैं पूछना चाहूंगा जी, आप हर 15 मिनट के मैं कह दूं ऑडियंस से, कई बार स्पीकर्स क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन साथ साथ लेके चलते हैं जी, जो जो टॉपिक है, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स हैं, तो साथ में हम क्वेश्चंस भी 5-5 मिनट। सर एकदम ठीक है सर, ब्रजेश जी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने एक केस लॉ खत्म किया, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट मैं जाऊंगा, मेरे पास इस बहाने पानी ही पी लूंगा, किसी के उस क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन और हमारा जो व्यू था वो आज भी एक आध ITT छोड़ के एक्सेप्ट दिल्ली ऑलमोस्ट सब ITT अभी जजमेंट उसी व्यू पे ले रहे हैं, पर क्या आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो जो इश्यूज होंगे उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे और इट इज गोइंग टू बिग बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी नाउ। करेक्ट, मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस, जैसे से आप सुन रहे हैं प्रेजेंटेशन को नितिन जी के, आप अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस को Q&A वाले में आप पोस्ट करें, चैट में नहीं करें, क्योंकि चैट में बहुत सारी जनरल पोस्ट होती है जिससे कि क्वेश्चंस देखना मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज Q&A में ही मेंशन करें। हाँ नितिन जी, अप्रिशिएट करें सर, पहली बात तो आप ये नोट कर लें, जब हम कभी भी कोई, जैसे हमारा जो पहला केस है दैट इज अ केस ऑफ चेकमेट, और एवरीबडी नोज दिस चेकमेट जजमेंट केम ऑन 12th of October 2022 को जजमेंट आया था, और इन रिलेशन टू 36(1)VA के कंटेक्स में आया था, और 36(1)VA मैं आपको मोटा मोटा कंटेक्स समझा देता हूँ, तो एवरीबडी नोज अबाउट 36(1)VA, इट टॉक्स अबाउट सर इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज टू ESI एंड PF, राइट। तो जो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, लेट अस प्रिज्यूम दैट ब्रिजेश जी इम्प्लॉयर है, मैं इम्प्लॉय हूँ ब्रिजेश जी का, तो जो मेरे को सैलरी दे रहे हैं उसमें से जो ये मेरा कंट्रीब्यूशन काट रहे हैं, अप्रिशिएट करें, एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉई का होता है, क्योंकि इफ आई बीइंग एम्प्लॉई ऑफ ब्रिजेश जी, तो ब्रिजेश जी जो मेरा कंट्रीब्यूशन काट रहे हैं उस कंटेक्स्ट में झगड़ा है 36(1)VA में, राइट। नाउ अप्रिशिएट करें, बिफोर आई गो फर्दर सर, दो सेक्शन ध्यान से नोट कर लें, पहला 36(1)4 और एक है 36(1)VA। अप्रिशिएट करें, 36(1)4 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, राइट। और एक बात और ध्यान रख लें सर, कि दो सेक्शनों पे ज्यादा लड़ाई हुई, जो नॉर्मली हम आर्ग्यू भी करते थे कि इन रिलेशन टू दैट, वन इज सेक्शन 2(2)(24)(10), सेक्शन 2(2)(24)(10), और साथ के साथ सेक्शन 43B। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 43B में वर्ड लिखा हुआ था नॉट विथ स्टैंडिंग, क्या लिखा हुआ था, नॉट विथ स्टैंडिंग, राइट। और जब ये नॉट विस्टेंडिंग की बात कर रहा था, तो इट इज नॉट विस्टेंडिंग द होल एक्ट। तो व्हाट वी आर आर्गुइंग, और नॉट ओनली वी आर आर्गुइंग, अप्रिशिएट करें,
there was a judgment of Supreme Court, two judge bench, alum exceptions. Apart from that, sir, different high courts, rather I should say, ki sir, except two high court, kaun si, Gujarat High Court and Kerala High Court, in two judgments, in two high court ko chhodke, sari judgment are in the favor of SSC. They are saying that, kyunki 43B mein the word written is non-obstante clause, which is actually overruling the whole act. So, aise case mein, 36(1) VA ke andar, agar aapne due date mein payment nahi bhi karai, due date mein payment nahi bhi karai, तो भी आपको 43B के तहत से ये देखना है कि क्या आपके केस के अंदर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले जमा करा दिया या नहीं करा दिया. अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पहले जमा करा दिया तो आपके केस में एडिशन नहीं होगी, राइट, विल बी नो एडिशन. नाउ सर, दिस मैटर वेंट फ्रॉम गुजरात हाईकोर्ट. एक्चुअली मैंने बताया सर, दो हाईकोर्ट हमारे खिलाफ थे, गुजरात हाईकोर्ट एंड केरला हाईकोर्ट. द मैटर वेंट फ्रॉम गुजरात हाईकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, एसएससी लेके गया. यहाँ पे एसएससी ने ये सारी बातें आर्ग्यू करी. उन्होंने बोला सर देखिए 2410 में इनकम बन जाती है, जब इनकम बन जाती है तो मैं 36(1) VA के हिसाब से अगर नहीं पूरा कर पाया, 43B क्योंकि ओवरूल कर रहा है पूरे एक्ट को, तो मैंने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले जमा करा दिया, तो ऐसे केस में मेरे को एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के अंदर मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए. तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट सेड अप्रिशिएट करें, 43B जब आया था, और 43B में जब आया था तब सिर्फ 36(1)(4) था, 36(1)(VA पहले नहीं था. तो व्हाट दे सेड कि पहले आप नोट करें सर, 43B कॉन्टेक्स्ट में इट इज ओनली टॉक अबाउट 36(1)(4), जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का 36(1)(VA वो आप बाद में लेके आए हैं. तो अप्रिशिएट करें सर, जो 43B ये बात करता था तो वो 36(1)(4) की बात करता था, साथ के साथ उन्होंने बोला. अप्रिशिएट करें जो आप नोटिस करें, जब खर्चा आपको मिलता है 30 से लेकर 37 के अंदर मिलता है, तो जो आपको खर्चा मिलता है सेक्शन 30 से लेकर 37 के अंदर मिलता है, तो आपको सेक्शन 38 ऑनवर्ड्स आप जब जाएंगे तो दैट इज एडिशनल कंडीशन. तो व्हाट वी वांट टू से इज कि पहले जो सेक्शन 30 से लेकर 37 में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, पहले आपको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अगर आप पहले उनको कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि 43 भी पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी. उन्होंने ये बोला, अगर ये मान भी लें कि 43 भी कवर होता है, क्योंकि आपने 36(1)(VA) की कंडीशन क्या है सर, विद इन ड्यू डेट, और ड्यू डेट का मतलब उन्होंने बोला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या फिर आपका पीएफ में लिखा हुआ या ईएसआई में लिखा हुआ है, तो उस डेट तक जमा होना चाहिए था. तो अप्रिशिएट करें, दे सेड कि ऐसे केस में क्योंकि आपने 36(1)(VA) कंडीशन पूरी नहीं करी, इस वजह से आप 43B का आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगा. फर्दर इट सेड कि अप्रिशिएट करें कि सर, जब आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटते हैं, आज ब्रजेश जी ने मेरे बेसिस सैलरी में से कुछ डिडक्शन कर ली एज टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ही इज होल्डिंग दिस अमाउंट इन ट्रस्ट, और कोई चीज इन ट्रस्ट होगी तो इसका मतलब इनकी ड्यूटी बनती है सही टाइम पे जमा कराने पे. तो ऐसे केस में सर 43B गवर्न नहीं होगा. तो उन्होंने बोला तीन चीजें दी, जिससे उनका पर्पज था कि भैया 36(1)(VA) का मतलब ड्यू डेट पे जमा कराना बहुत जरूरी है. नाउ ऑल दिस हैज हैपेंड, नाउ आप अप्रिशिएट करें सर, अब गुजरात और केरला हाईकोर्ट को इन्होंने कंफर्म किया और सारे हाईकोर्ट उड़ा दिए. और अगेन नोट करें, ये 3 ऑर्डर है. तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर पहले एलएम स्टेशन था, तीन बेंच ऑर्डर है और इट इज अ 3 जज बेंच ऑर्डर, तो ऑफिस बात है दिस ऑर्डर इज नॉट पर इंक्वायरी, पर देयर वाज 2-3 बिगर इश्यूज ओवर देयर. वन थिंग इज दैट, पहला तो अप्रिशिएट करें सर, 36(1)(VA) पढ़ते हैं और देखिए वो क्या लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है, क्या बोलता है, एनी सम रिसीव्ड. क्या लिखा हुआ है सर, any sum received. So my question is to all of you, appreciate करें sir, क्योंकि हम TDS काटते हैं तो हर बंदे को मेरे को और आपको फर्क पता है deduction और receive में क्या फर्क है. मैं फिर से बता रहा हूं, हम TDS काटते हैं लोगों का, तो हम TDS काटते हैं तो we know the difference between what do you mean by deduction, what do you mean by received. तो appreciate करें sir, ब्रजेश जी जो मेरे को सैलरी दे रहे हैं उसमें से employee contribution काटा जा रहा है sir, receive नहीं हो रहा. Why I am saying this thing, please appreciate करें, if you go to the judgment of sir 19 October 2022, please note करें, judgment कब आई है, 12 October 2022 को, एक दो judgment और आई थी sir 19 October 2022 को, वो judgment थी in the relation of charitable trust Ayuda, Ahmedabad Urban Development Authority और एक New Noble, मैं am not going on those details, but please appreciate करें, Supreme Court ने वहाँ पे sir क्या समझाया, उन्होंने समझाया, बहुत beautifully समझाया कि there has to be literal interpretation.
व्हाट दे सेड कि जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं. इक्विटी एज टू टैक्स, व्हाट दे वांट टू से कि अगर कोई चीज लिखने से डिपार्टमेंट रेवेन्यू को नुकसान होता है या एसएससी को नुकसान होता है, सर व्हाट कम मे बी हार्डली मे डिफरेंस. सर ऐसे केस में जो लिखा है उतना ही पढ़ेंगे, ना तो कुछ आप ऐड करेंगे ना लेस करेंगे. तो माय क्वेश्चन इज व्हाई आई एम आर्ग्यूइंग दिस थिंग, प्लीज अप्रिशिएट करें. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज टू जजमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर जजमेंट, सर तीनों की जजमेंट, तीनों जजमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन सेम था. तीनों जजमेंट सर इट हैज बीन ऑथर्ड बाय रविंद्र भट्ट साहब, यहां पे सर सीजीआई यूयू ललित साहब भी थे. तो माय क्वेश्चन इज हाउ कम सर 12 अक्टूबर को सर कैसे रिसीट का मतलब डीम डिडक्शन मान लिया गया, और जब आप बात करते हैं यूडा या न्यू नोवेल की वहां पे सर लेटर इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो 7 दिन में ऐसा क्या हेर फेर हो गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया. तो आई ऑलवेज बिलीव, मुझे लगता कहीं ना कहीं या तो आर्गुमेंट में या फिर सर कहीं ना कहीं डिस्कशन में दिक्कत आ गई. पर हैविंग सेड दैट नाउ दिस इज अ लॉ ऑफ द लैंड. नाउ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इज अ डीम डिडक्शन, रिसीट मींस डीम डिडक्शन, तो उन्होंने बोला ऐसे केस में लग जाएगा. नाउ अब क्वेश्चन आता है सर बाकी केसेस में क्या होगा, और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आंसर दीजिएगा. अच्छा नितिन जी, ये स्लाइड अभी जो केसेस आप बता रहे हैं वो स्लाइड में लिखे हुए हैं क्या? सर अयोध्या वाला जजमेंट मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा. नहीं, मैं से कर रहा हूं, आप वुड यू लाइक टू चेंज द स्लाइड नाउ और वुड यू लाइक टू रिमेन? नहीं सर, उसमें नहीं, स्लाइड पे नहीं लिखी है, मैंने साथ में जोड़ा क्योंकि मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा, मैंने भी काफी काफी जगह बोल चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसको एक एक पैराग्राफ का मुझे आइडिया, इसलिए मैंने उसको कोटेड किया सर उसके अंदर. नाउ अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, मेरा पहला क्वेश्चन प्लीज आंसर दीजिएगा. ब्रिजेश जी से और मेरी मोहन मित्तल जी से बात हुई है कि नितिन भाई जो आंसर देगा तेरे को मोमेंटो मिले ना मिले, जो सबसे ज्यादा आंसर देगा चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, सर इनके यहाँ से आपको प्राइज जरूर मिलना है. तो प्लीज टारगेट के आंसर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. मेरा पहला क्वेश्चन, और इससे हमारा दिमाग खुलेगा भी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. पहला क्वेश्चन ये, लेट अस अज्यूम एक इनकम 143(2) का ऑर्डर हुआ, 143 में केस हो गया, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट अपील में चले गए, सीएटी अपील में चले गए, राइट, सीएटी अपील में चले गए, मान ली सीएटी अपील आपके फेवर में आ गया, फिर आईटीएटी भी आपके फेवर में आ गया हाइपोथेटिकली. माय क्वेश्चन इज फॉर यू कि आज की डेट में मान लीजिए सारा काम 4 साल के अंदर हो गया, माय क्वेश्चन इज फॉर यू कि सर ऐसे केस में क्या आज की डेट में, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है और हम सबको बताया जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज सर जजमेंट देता है अंडर आर्टिकल 141, तो आर्टिकल 141 क्या बोलता है, एज इफ इट हैज बीन इंटरप्रेटेड एज टू द सेक्शन व्हाट वाज देयर ओरिजिनली. अप्रिशिएट करें कोई नया लॉ नहीं लगाता सर, वो इंटरप्रेट करता है. तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या असिस्टिंग ऑफिसर आज की डेट में, 2 ITT का ऑर्डर पास हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर क्या आज की डेट में और 4 साल के पीरियड के अंदर ही हमारा असिस्टिंग ऑर्डर, तो क्या 154 कर सकता है, बताइए आंसर यस या नो. वेट करूं सर आपके आंसर का, बताइए आंसर, बताइए 154 कर सकता है या नहीं कर सकता. मैं क्या बोल रहा हूं सर, 143 में ऑर्डर पास हुआ, आप सीएटी पील गए, आप आईटीटी गए, इट केम टू योर फेवर, नाउ सब कुछ 4 साल के अंदर हो गया. माय क्वेश्चन इज विद यू, सुरेंद्र जी कह रहे हैं नो, विनीत अग्रवाल जी कह रहे हैं यस, सर मेंबरशिप नंबर लिखने का फायदा नहीं है सर, आप ऑलरेडी नो. अनुज जी कह रहे हैं नो, व्हाट अबाउट अदर्स, संदीप जी कह रहे हैं यस नो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं सर, यस नो नो नो, 50-50 बोल रहे हो, बोल रहे नो, और कुछ लोग यस, तो प्लीज नोट कर ले सर, अप्रिशिएट करें, एक प्रिंसिपल नोट कर लें सर, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर मींस कि सर जब असेसमेंट ऑर्डर सीआईटी पील के पास गया और सीआईटी पील ने जब ऑर्डर पास कर दिया तो क्या वो ऑर्डर असिस्टिंग ऑफिसर का रहा, आंसर इज नो, नाउ इट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील. जब सीआईटी अपील का ऑर्डर के खिलाफ डिपार्टमेंट गया मान लीजिए आईटीएटी, और आईटीएटी का ऑर्डर चाहे आपके फेवर में चाहे आपके खिलाफ है, हाइपोथेटिकली आपके फेवर में, तो प्लीज नोट करें सर दिस ऑर्डर हैज बिकम ऑफ आईटीएटी. तो माय क्वेश्चन इज इट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर. तो जब कोई क्या असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है वो आईटीएटी के ऑर्डर को रिवाइज कर दे, आंसर इज नो, ही कांट रिवाइज इट, ही कांट मेक 154 रेटिफिकेशन, वो तभी तक कर सकता है जब तक ऑर्डर उसी का रहेगा. तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का प्लीज ध्यान रखें, डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट मर्जर लगता है यहां पर. नाउ अब एक केस और लेते हैं, लेट अस एक केस और लेते हैं. नाउ मैंने बताया सर आईटीएटी का ऑर्डर आपके आपके फेवर में आ गया और अप्रिशिएट करें दिस जजमेंट हैज केम ऑन 19th ऑफ अक्टूबर 2022 और सॉरी 12th अक्टूबर 2022.
अब मान लीजिए मई जून जुलाई में ब्रजेश जी बहुत सारे केस इनके पास थे, ये गए वहां पे आईटीएटी, एक वहां पे नॉर्मली जी बैंक बैठती थी और बकायदा हर हफ्ते दो हफ्ते के अंदर सर हजार हजार बारह बारह पंद्रह सौ केस वो सर इन द फेवर एससी कर लेते थे, बिकॉज ऑल जजमेंट बिफोर दिस जजमेंट आर इन द फेवर ऑफ एसएससी ओनली। तो सारे के सारे सर ऑलमोस्ट जैसे हम सब्जियां खरीदते हैं ना उस भाव पे लगातार हजार हजार दो हजार केस एक ही स्ट्रोक में सर इन द फेवर एससी हो जाते थे। माई क्वेश्चन इज सर ऑर्डर आए हैं मई जून जुलाई या फिर जून जुलाई अगस्त विद इन सिक्स मंथ्स और देयर वाज सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 सेक्शन 254 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सर अगर कोई अपेरेंट मिस्टेक है और वो छह महीने के अंदर जो उसकी मियाद है सर छह महीने सर 154 में कितनी है चार साल इसमें छह महीने और एप्लीकेशन कौन लगाएगा या तो एसएससी या डिपार्टमेंट। अब अप्रिशिएट करें ये सारे ऑर्डर किसके खिलाफ हुए हैं सर डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन लगाएगा यहाँ पे लगाएगा सर डिपार्टमेंट। माय क्वेश्चन इज ऐसे केस में क्या अब डिपार्टमेंट बोल सकता है सर ये मिस्टेक अपेरेंट है अपेरेंट मिस्टेक है बिकॉज आर्टिकल 141 में तो लॉ लेट डाउन हो गया जब से लॉ था जब से 37 वी आया था। तो द क्वेश्चन इज नाउ ये छह महीने के अंदर क्योंकि अगर ऑर्डर छह महीने के अंदर है कि आज की डेट में आईटीएटी में क्या एमए मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन बाय द डिपार्टमेंट लग सकती है या नहीं लग सकती बताइए सर, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। हाँ जी कौन कौन कह रहा है कि लग सकती है कौन कौन कह रहा है नहीं लग सकती थी सर, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। यस नो बाकी लोग क्या कह रहे हैं दीपी मैम देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग मेंबरशिप नंबर तो आपको जो नोट होगा विपुल जी नो कह रहे हैं बाकी लोग क्या कह रहे हैं। यस विनीत जी कह रहे हैं यस बाकी लोग क्या कह रहे हैं तो दो यस है दो नो है बाकी क्या कह रहे हैं। यस मनीष भंडारी जी कह रहे हैं यस यस निशांत महाजन जी कह रहे हैं यस तो ऑलमोस्ट लोग यस कह रहे हैं सर ठीक है जी राइट एक आध नो के कह रहा बाकी सर प्लीज नोट कर रहे सर सर अप्रिशिएट करें जब मैं अपेरेंट मिस्टेक बोल रहा हूं ये क्या बोलता है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो माय क्वेश्चन इज कि सर जिस टाइम पे ऑर्डर पास किया था उस टाइम पे ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अवेलेबल था टू मी आंसर इज नो। अप्रिशिएट करें सो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि लेट अस से सर आईटीएटी जब जजमेंट पास कर रहा है तो ऐसे केस में उसका कोऑर्डिनेट बेंच का ऑर्डर उससे पहले हो चुका हो या उसके ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट ने जजमेंट ऑलरेडी पास कर चुका हो डिफरेंटली व्हाट वी आर सेइंग सुप्रीम कोर्ट पास कर चुका हो लेकिन ये सारी जजमेंट इनके ऑर्डर से पहले होनी चाहिए चाहे वो कंसिडर कर पाए या नहीं कर पाए। मैं क्लियर हूं आपको सर मैं फिर से बोल रहा हूं लेट अस से ब्रजेश जी ने केस डाला और उन्होंने दो जजमेंट डाल दी जो सर आईटीएटी ने कंसिडर नहीं करी ही कैन गो फॉर एमए पर माय क्वेश्चन इज सर डिपार्टमेंट अगर एमए लगाएगा तो ये ऑर्डर तो 12 अक्टूबर को हुआ है और मेरी जजमेंट कब आई है जजमेंट आई है सर मई जून जुलाई में तो क्या ये जजमेंट उस टाइम अवेलेबल थी टू मी आंसर इज नो सर यहां पर एमए नहीं लग पाएगी। मैं क्लियर हूं आपको सर तो व्हाट आई वांट टू से सर जितने भी ऑर्डर आपके पास हो गए आईटीएटी में सर वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन इज क्या हुआ सर लेट अस से आज की डेट में कुछ ऐसे ऑर्डर है जो सीआईटीपी ले पेंडिंग होंगे कुछ केसेस ऐसे होंगे जो सर जिनकी एडिशन तो इससे पहले हुई है 12 अक्टूबर 2022 से पहले राइट पर कुछ आपने सीआईटीपी में पेंडिंग होंगे कुछ आईटीएटी पेंडिंग होंगे कुछ हाईकोर्ट में पेंडिंग होंगे तो क्वेश्चन इज सर ऐसे केस के अंदर क्या आपकी एडिशन हो जाए क्योंकि आप आज की डेट में तो जजमेंट है आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज नोट कर लें सर एडिशन दो तरीके से हुई है रादर तीन तरीके से हुई है वन इज 143(1)(a) द अदर वन इज 143(2) रेडविट 143(3) और 148 अप्रिशिएट करें। तो माय क्वेश्चन इज कि अगर तो आपका असेसमेंट हुआ है या रीअसेसमेंट हुआ है अंडर 143(3) या फिर 148 के अंदर 147 मतलब 147 के अंदर तो प्लीज अप्रिशिएट करें सर यहां पे आप केस का आपका केस नहीं बच पाएगा बिकॉज सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया फ्रॉम द जब से ये सेक्शन आया था। पर क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट 143(1)(a) तो अप्रिशिएट करें दो सर दिल्ली आईटीएटी ने अब डिफरेंट व्यू लिया है पर मेरा पर्सनल मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं सर मेरा पर्सनल मानना है वो जजमेंट को रिकंसिडर करने की जरूरत है। देयर वाज अ मुंबई आईटीएटी जजमेंट जिसने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया व्हाट दे एक्सप्लेन दे सेड सर प्लीज नोट करें टार में आप क्या रिपोर्ट करते हो। अच्छा बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस सी कि 143(1)(a) के अंदर क्या कौन सी क्लॉज मेंडिशन हो सकती है। एक मिनट रुकिए सर मैं आपको उस सेक्शन पे लेके जाता हूं आपको सेक्शन दिखाता हूं फिर आपको बताऊंगा सर एडिशन कहां पे हो सकती है।
143(1) क्या बोलता है, 6-6 ऐसे सब क्लॉजेस हैं जहां पे एडिशन होती है। पहला क्या है, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। सर ये जो क्या ये वाला 37(1)(VA) वाला था कि अर्थमेटिकल एरर था, आंसर इज नो। इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज सेपरेट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन रिटर्न, सर आंसर इज नो, ये ऐसा भी नहीं था। और मैंने बताया उस टाइम पे सारे ऑर्डर हमारे फेवर में थे अपार्ट फ्रॉम गुजरात हाईकोर्ट एंड केरला हाईकोर्ट। डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड, क्या डिसअलाउंस लॉस क्लेम किया था रिटर्न में, आंसर इज नो। तो ना 1, 2, 3 कुछ भी लग रहा, 4th को एक बार छोड़ देते हैं। फिर बोलता है डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A, क्या ये चैप्टर 6A में डिडक्शन ली, आंसर इज नो। फिर उसके बाद 26AS की बात करता जो 2018-19 के बाद लग नहीं सकता। माय क्वेश्चन इज अब इसका मतलब क्या हो गया सर, 143(1A) का 4th क्लॉज है, 4th सब क्लॉज है जहां पे एडिशन हो सकती थी। अब वो एडिशन क्या बोलता है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन दैट ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इन टू द अकाउंट इन कंप्यूटर टोटल इनकम रिटर्न। तो माय क्वेश्चन इज जब आप टार भरते हो तो जब आप 40A3 की बात करते हो मतलब आपने कैश पेमेंट कर दी है तो क्या डिसअलाउंस लिखते हो, आंसर इज यस। लेट अस से सर ब्रिजेश के ब्रिजेश जी के क्लाइंट ने किसी को FTS पेमेंट करी या प्रोफेशनल फीस जमा करी और उन्होंने TDS नहीं काटा तो 40A का डिसअलाउंस होता है, आप लिखते हो आंसर इज यस। 40AI में अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दी क्या आप डिसअलाउंस लिखते हो, आंसर इज यस। माय क्वेश्चन इज क्या 20B है जहां पे आप सर 143(1A) के अंदर सॉरी टार के अंदर आप लिखते हो सर 36(1VA) की रिपोर्ट करते हो तो वहां पे आप क्या लिखते हो, पहली बात तो अमाउंट, फिर लिखते हो सर ड्यू डेट एज पर सर ESI एक्ट PF एक्ट वो ड्यू डेट लिखते हो, उसके बाद लिखते हो कि कब आपने जमा किया, दैट्स ऑल। आप कहीं पे नहीं लिखते कि सर आपका इतना अमाउंट डिसअलाउड है, मैं क्लियर हूं आपको सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, प्लीज ट्राई टू मेक अ डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट वी राइट इन 40A3 40AIA 40AI विद अवेस जो हम टार में रिपोर्ट करते हैं इन रिलेशन 36(1VA 36(1VA में सर आप रिपोर्ट करते हो कितना अमाउंट था, ड्यू डेट एज पर ESI और PF एक्ट क्या है और आपने कब जमा किया है। आप कहीं भी नहीं लिखते हैं कि डिसअलाउंस का अमाउंट कहां कितना अमाउंट है, तो अप्रिशिएट करें सर अब आप जो फैक्ट जो मांगी गए हैं बस उसको रिपोर्ट करते हो, नो रिपोर्टिंग ऑफ डिसअलाउंस। दिस वॉज कैप्चर्ड बाय मुंबई ITAT, दे सेड कि सर कहीं पे भी डिसअलाउंस की बात नहीं करी आपने, आपने तो ये फैक्ट्स मांगे उसने फैक्ट्स दे दिए। तो टार में यहां पे तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम। और प्लीज नोट कर ले ये जजमेंट जो है अभी मेरे हाथ में आई है सर, इसको नोट कर ले, जजमेंट का नाम बता रहा हूं आपको मैं सर, इट इज ITA नंबर 2376 ओब्लिक मुंबई ऑफ 2022। और अप्रिशिएट करें ये सारी जजमेंट कब आई है, ये जजमेंट आई है आफ्टर चेकमेट, जहां पे इन्होंने बोला है कि वी आर हमें पता है कि भैया ये चेकमेट का जजमेंट में जहां पे इन्होंने सर जजमेंट SSC के खिलाफ दे दिया है, पर उन्होंने बोला जो प्रोसीजर जो था प्रोसीजर तो 143(1) में था सर वो राइट नहीं है, अगर आपको एडिशन करनी है 143(2) करे 148 करे एज द केस में भी, पर यू कांट मेक एडिशन अंडर 143(1A) बिकॉज कोई तरीका नहीं दिया हुआ इस तरह की अमाउंट को एडिशन करने का। मैं क्लियर हूं आपको सर। सर व्हाट वाज दिल्ली ITAT ने क्या बोला, देखिए दिल्ली ITAT में बोला आई बेग टू डिफर विद द दिल्ली ITAT जजमेंट, आई पर्सनली थिंक सो दैट मुंबई ITAT जजमेंट इज क्वाइट करेक्ट। सर दिल्ली ITAT वेंट इनटू द पॉइंट्स कि भैया आप चेक करो कि सब वर्ड प्राइमा फेसी लिखा हुआ है, उन्होंने कहा प्राइमा फेसी 2001 में उड़ गया था। तो माय क्वेश्चन इज उन्होंने बोला भैया ऐसे केस में आपकी एडिशन हो सकती है, मैं इस बात इसलिए बोल रहा हूं इससे पहले बिफोर दिस जजमेंट 12 अक्टूबर से पहले जितनी भी जजमेंट आई है सब में दिल्ली ITAT ने बोला है कि 143(1A) में एडिशन नहीं हो सकता। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में, अप्रिशिएट करें सर मेरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सैक्रोसेंट नहीं है, इट इज ओनली द व्यू ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो टैक्स ऑडिटर है उसका व्यू है। अगर इतनी सैक्रोसेंट है तो इसका आप ये कहना चाहते हो अगर कल को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो लिख देगा ये इनकम एग्जेम्प्ट है तो क्या मान लोगे, आंसर इज नो। जो अगर आपकी जिस टाइम पे आप 143(1A) कर रहे हो उस टाइम पे अगर जुडिशियल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मैं बता रहा हूं LMS ये सारी जजमेंट आपके फेवर में है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का अगर व्यू अलग भी है हाइपोथेटिकली मान भी लेता हूं कि इसमें ऐसे को लिखा हुआ है तो क्या वो व्यू मान सकते हो, आंसर इज नो, इट इज ओनली द व्यू ऑफ ऑडिटर। तो प्लीज अप्रिशिएट करें सर कहीं ना कहीं वहां डिबेटेबल इशू था, तो अगर आपको कोई एडिशन करनी है या कुछ और करनी है वो तब करनी है जब लॉ में जो लॉ में लिखा हो और टार में भी लिखा हो, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा।
तो मेरा कहीं ना कहीं मानना दिल्ली आईटीटी जजमेंट शुड बी रिकंसिडर्ड प्रॉपरली, मुंबई आईटीटी जजमेंट हैज अ बेटर रैशनल व्यू, दिस वन थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू नाउ। हैविंग सेड दैट, प्लीज अप्रिशिएट करें, मान लीजिए मैं दो इश्यूज आपको और देता हूं। अब एक पॉइंट और बता रहा हूं आपको सर, जो नॉर्मली लोगों ने नोटिस नहीं किया हुआ, सर अप्रिशिएट करें, देयर वाज जजमेंट ऑफ कैनकास्ट, कलकत्ता आईटीटी जजमेंट है, कलकत्ता आईटीटी जजमेंट है, बहुत पुरानी जजमेंट है, और सेम ग्राउंड्स पे सर एक जजमेंट अहमदाबाद आईटीटी की आई थी, बट विच वॉज बीन ओवररूल्ड बाय गुजरात हाईकोर्ट, सिंस वी आर सिटिंग इन दिल्ली, माइट बी सिटिंग इन से इन मुंबई पंजाब, नॉट इन गुजरात, तो अप्रिशिएट करें, वी कैन वेरी वेल रिलाई ऑन कैनकास्ट। अब कैनकास्ट जजमेंट में क्या था, इट्स नॉट कैनकास्ट जजमेंट, इज कनोई पेपर, सॉरी द जजमेंट नेम इज कनोई पेपर्स, कैनकास्ट दूसरा जजमेंट था, द जजमेंट नेम इज कनोई पेपर्स। तो कनोई पेपर्स में वॉट वॉज हेल्ड बाय कलकत्ता आईटीटी, कनोई पेपर्स में कलकत्ता आईटीटी ने बोला कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट, लेट अस से ब्रिजेश जी इज द एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉई हूं सर का, हाइपोथेटिकली मेरी नॉर्मली क्या होता है, अप्रैल की सैलरी की जो ड्यू डेट है एज पर ईएसआई दैट इज 15 मई, मेरी अगर मान लीजिए मई की है उसकी 15 जून, ठीक है सर। अब कनोई पेपर ने ये बोला कि सर ड्यू डेट आप डिटरमाइन करेंगे जब आपकी डिसबर्समेंट और सैलरी होगी वहां से, मतलब अगर सर ने मेरी सैलरी अप्रैल की सैलरी कब दी, मान लीजिए 7 मई को दी, तो ड्यू डेट कब बन गई, नॉट 15 मई, 15 जून, मई की सैलरी दी आपने जून में, तो आपकी कब ड्यू डेट बनी, 15 जून नहीं, 15 जुलाई, आर गेटिंग पॉइंट। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर 20-25 दिन का फर्क है तो आप कनोई पेपर्स को भी यूज कर सकते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट करें, मैं फिर दोबारा वर्ड रिसीट पे आ रहा हूं, रिसीट वाले वर्ड पे, मैंने बताया सर रिसीट का मतलब क्या था, मैं पहले आपको कंटेक्स्ट समझा देता हूं, हम जो आर्ग्यू कर रहे थे हर जगह, सर यहां पे वर्ड रिसीट का मतलब क्या है, लेट अस से मोहन मित्तल जी इज अ को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और उन्होंने वो सब कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए ब्रिजेश जी को कर दिया, हाइपोथेटिकल सब कॉन्ट्रैक्ट ब्रिजेश जी को कर दिया, अब ब्रिजेश जी ने लेबर लगाई अपने, मैं उनके नीचे काम कर रहा हूं, इन्होंने मेरी ओर डिडक्शन करी, अप्रिशिएट करें, तो ऑफिस बात है मेरा पर्सन माना है 36(1)(b) इन पे नहीं लगेगा, पर जब इन्होंने जितना भी इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया था, क्योंकि प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी होती है सर, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर की, इन्होंने सारा इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया, उठा के मोहन मित्तल जी को दे दिया, नाउ दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, तो अप्रिशिएट करें, 36(1)(b) उन पे लगेगा, मोहन मित्तल जी पे, ब्रिजेश जी पे नहीं लगेगा, मेरा पर्सनल व्यू है। इसी पॉइंट को हमने आगे बढ़ाते हुए क्या बोला है, अब व्हाट वी आर आर्गुइंग नाउ, मैं थर्ड आर्गुमेंट बता रहा हूं, व्हाट वी आर सेइंग कि प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा कि सर वहां पे रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, नो डाउट सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 सब क्लॉज 10 के अंदर सर ये इनकम मेरी बन जाती है, डीम्ड इनकम बन गई, पर ऐसे केस में जब मैं पेमेंट करूंगा दिस अमाउंट ऑफ डिडक्शन, क्योंकि वो डिडक्शन है और वहां पे अमाउंट रिसीव्ड है, तो 36(1)(b) टच नहीं करेगा, आप सीधा 37 टेच चेक करेंगे और 37 रेड विद 43(b), क्योंकि मैंने 141(1) में जमा करा दिया है, तो जो डिडक्शन मिलने चाहिए सेक्शन 37 में मिलने चाहिए। आपके मन में आएगा नितिन 36(1)(b) में लिखा हुआ है, और सेक्शन 37 क्या बोलता है, एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ 36, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, मैं वर्ड रिसीव को सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ब्रिजेश जी के हाथ में रिसीव कभी नहीं हुआ है, इट इज ओनली डिडक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट हैज टू कम अंडर सेक्शन 37 नॉट 36(1)(b), और 37 से आप 43(b) पढ़ पाएंगे, आर यू विद मी, ये सुनो, यस सर, नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार एक एक्सपेंशन ऐड की 2021 के अंदर सर, जहां पे 43(b) में 37(1)(b) में एक्सपेंशन ऐड कर दी थी, अब उसका फेट क्या हुआ सर, अभी तक हम आर्ग्यू कर रहे थे बिफोर दिस जजमेंट, वी आर सेइंग दैट दिस अमेंडमेंट वाज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, बिकॉज़ ये चीज इन्होंने अब फर्दर डाल दी है, पर प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज़ नाउ दिस जजमेंट टॉक्स अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नाउ दिस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट है वो क्या बन जाएगी, सब क्लैरिफिकेटरी बन जाएगी, वन थिंग, और अप्रिशिएट करें जब ये क्लैरिफिकेटरी बन रही है, इट डज नॉट हैव एन इंपैक्ट इन रिलेशन टू 14A, 14A के अंदर सर अपने आप से आप टैक्स फालतू अमाउंट कर रहे हो सर, पहले आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जहां पर उन्होंने बोला 14A के टैक्स के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला है कि अगर एग्जम्प्ट इनकम होगी तो ही आपका 14A लगेगा, नाउ अब जो आप एक्सप्रेशन ऐड किया 2022 से वो क्या बोलता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज ऑलवेज टू बी मीन कि आपने इनकम मतलब आपने एग्जम्प्ट इनकम कमाई नहीं कमाई, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, इट हैज टू बी रीड प्रोस्पेक्टिवली, तो उसको आप इस कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ पाएंगे। एक बात, अब क्वेश्चन आएगा नितिन भाई, जो अब 143(1) है, लेट अस से सर 2000 द जजमेंट केम ऑन 19th of October, ऑफिस बात है अक्टूबर को आई, अब 143(1) हो रहे हैं, मैंने बोला पिछली तो नहीं होती थी,
पर कुछ 143 बने हुए आफ्टर 19th ऑफ अक्टूबर, जैसे 12th ऑफ अक्टूबर के बाद हुई, अब हो रही है, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में एडिशन हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड, वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जो 12 अक्टूबर से पहले 143 बने हुआ है वहां पे एडिशन नहीं हो पाएगा, एक बात सर। दो, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू सर वहां पे भी कोई तरीका नहीं है करने का, अप्रिशिएट करें, बिकॉज टार में भी क्या लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा हुआ ड्यू डेट, और वो वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू, पर मेरा पर्सनल मानना है कहीं ना कहीं वो बोलेंगे अब ड्यू डेट का मतलब सर सुप्रीम कोर्ट जोड़ देंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। वन थिंग हैविंग सेड दैट, क्वेश्चन इज कि सर क्या आज की डेट में कुछ आर्गुमेंट ऐसे थे जो अब आगे रिकंसिडर किए हस्ते, तो आंसर इज यस, सो अप्रिशिएट करें। लेट अस से देयर वर टू एम्प्लॉयर, वन इज ब्रिजेश जी और अदर वन इज अनदर पर्सन, सारे के सारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए को फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ गई, पॉसिबिलिटी हो सकती, कोविड टाइम आ गया, अब जो पेमेंट थी 15 तारीख थी वो पेमेंट इन्होंने 20 तारीख को कर दी, 25 तारीख को कर दी, और एक व्यक्ति ऐसा है, दूसरा एम्प्लॉयर ऐसा है, उसने जमा ही नहीं किया, तो माय क्वेश्चन इज क्या दोनों को आप एक आपसे दे सकते? टू मी आंसर इज नो। अप्रिशिएट कीजिए आर्टिकल 14 का हनन है, इट इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सर फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई, कोई इस तरह की दिक्कत आ गई, कोई जेन्युइन रीजन आ गया, उसका पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर रहे हो आप, प्लीज अप्रिशिएट, उसे इनकम में फॉल कर रहे हो सर, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी सर। मैं क्लियर हूं आपको सर, मेरा पर्सनल मानना है कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का भी हनन है। नाउ अब एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो सर, चेकमेट के या फिर 36(1)(a) में कोई भी क्वेश्चन हो आपका? कुछ अटेंडीज ने हैंड्स रेज करे हुए हैं। अजी भी सर अगर आप अनम्यूट करना, अनम्यूट करना। मैं आदिन पाल जी जो है मैं उनको पहले अलाउ करता हूँ। आदिन पाल जी अपना क्वेश्चन रखिए, आप अपने को अनम्यूट करिए आदिन पाल। आदिन पाल आप अपने को अनम्यूट करिए तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। चलिए ये नहीं कर पा रहे हैं। अब ये दूसरे हैं अशोक महेश्वरी, करिए सर, कराइए करिए सर। अशोक महेश्वरी है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। ये अशोक महेश्वरी अब आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करिए आप अपने को। बोलिए महेश्वरी जी, अशोक जी बोलिए, अशोक सर बोलिए। अशोक जी आपको क्वेश्चन पूछने, मतलब आप अनम्यूट करें तो आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट करें, अभी आप म्यूट हैं। चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे मिनट मिलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। दिस इज वेरी गुड जजमेंट, और रादर मैं आप बताऊं आपको सर, बहुत सारे कंसेप्ट्स, मतलब आपको लगेगा यार ये बात तो सोची नहीं, मेरे को भी शुरुआत में लगा झटका यार, ये बात तो हम कई बार गलती कर जाते थे नॉर्मली, हम नॉर्मली, मैं विजय जी बात इसलिए बोल रहा हूँ, अप्रिशिएट करें, नॉर्मली हमारे इनकम डिसीजन ऑफिस बात है स्टाफ ही भरता है, राइट, कोई गलती रह जाती है तो हम बोलते थे रिवाइज कर ले यार कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कुछ छूट गया या फिर क्वेश्चन, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो जो हम करते आए हैं अभी तक सब कुछ सही है, नहीं सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, इट इज इन रिलेशन टू विप्रो, और ये विप्रो की जजमेंट थी, प्लीज नोट कर लें, और विप्रो ये दिस इज इन रिलेशन टू 10A, पर 10A से हटते हटते कभी ये रिवाइज रिटर्न पे पहुंच जाएगा, आप देखना, आप नोटिस करोगे यार ये बात तो बहुत ज्यादा गलती करते आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा हमारे सोचने के ढंग में शायद गलती थी जो सुप्रीम कोर्ट ने और समझाया। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, व्हाट हैपेंड, पहले मैं आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बता देता हूँ विप्रो के अंदर सर, 2001-02 की बात है, और ये नॉर्मली 10A एक सेक्शन था जो 12-13 में खत्म कर दिया इन्होंने, 12-13 के आसपास, तो उसमें एक सेक्शन 10A(8) होता था, सेक्शन 10A सबसेक्शन 8, वो ये बोलता था कि अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जम्पशन जो आप ले रहे हो, एग्जम्पशन एंड सो कॉल्ड डिडक्शन ले रहे हो, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, तो अगर आपको एग्जम्पशन नहीं लेनी है, वो डिडक्शन नहीं लेनी है 10A वाली, तो आपको विद इन ड्यू डेट एक फॉर्म भरना पड़ता था, या फॉर्म भर के बोलते थे कि भैया अब मुझे ये वाला इस साल के अंदर डिडक्शन नहीं चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंड सर, व्हाट हैपेंड, दिस विप्रो जो ये SSC है, SSC ने ये फॉर्म नहीं भरा विद इन ड्यू डेट। नाउ व्हाट हैपेंड, ही माइट हैव वेंट टू ब्रिजेश जी के पास गया, तो ब्रिजेश जी को बोला, उन्होंने रिटर्न भरी, ब्रिजेश जी ने बोला भैया एक बात बताओ, तुम्हारा तो लॉस चल रहे हैं और तुम एग्जम्पशन मांग रहे हो, अगर तुमने लॉस नहीं लिए होते तो जो तुम्हारे दूसरे यूनिट के अंदर प्रॉफिट था इससे एडजस्ट हो जाता, या फिर अगले साल आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं उस साल में से एडजस्ट हो जाता। बोलते यार ये बात तो सही है आपकी, ये तो गलती हो गई उससे, तो इन्होंने क्या किया सर, आफ्टर सम टाइम सर वो फॉर्म भर दिया और रिटर्न रिवाइज कर दी,
सर केस वॉज टेकन फॉर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी में लिया गया तो एओ के पास केस आया तो एओ ने बोला नथिंग डूइंग यू कांट डू लाइक दिस, आपने पहले कुछ और किया था कुछ और कर रहे हो, तो वहां पे एसएससी ने आर्ग्यू किया सर रिवाइज रिटर्न का जो स्टेटस होता है वो तो आपका मेन ओरिजिनल रिटर्न वाला ही हो जाता है, आई कैन ऑलवेज डू इट, तो विच एसएससी ऑफिसर डजंट अलाउ इट, द मैटर वेंट टू सीएटीपी, सीएटीपी से आईटीटी गया, आईटीटी से हाई कोर्ट गया, और तीनों स्टेजेस पे सर एसएससी हैज वॉन द केस, दे ऑलवेज आर्ग्यूड कि दैट अप्रिशिएट करें कि सर देयर वाज सम फॉर्म जो जमा कराते हैं वो डायरेक्टरी नेचर के होते हैं, मगर मैंने लेट भी जमा करा दिया हार्डली भी डिफरेंस, और रिवाइज रिटर्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. Now, department went to Supreme Court. What Supreme Court said? Supreme Court said, कि सर एक बार 139(5) को जो revised return का section है, उसको ढंग से पढ़ें. वो कहता क्या लिखा हुआ उसके अंदर? कहता 139(5) में लिखा हुआ या तो आपके केस में omission हुआ हो या फिर आपकी कोई गलती रह गई हो, wrongful statement रह गई हो. Are you getting point? या तो omission हो गया, कुछ छूट गया आपसे, या फिर wrongful statement हो गई. उसको correct करने के लिए revised return का option दिया है. उन्होंने बोला जब आपके पास दो ऑप्शन है जहां पे ना तो ओमिशन है और ना वो रॉन्गफुल स्टेटमेंट है, लेट अस से मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, और अप्रिशिएट करें टेने क्या कर रहा है कि आपको आपने कुछ पैसे कमाए, चाहे लॉस था चाहे प्रॉफिट था, तो आपकी मर्जी थी, चाहे तो आप उस साल में डिडक्शन क्लेम करते या फिर आप उसे सेट ऑफ कर देते या फिर नहीं क्लेम करते हाइपोथेटिकली. उन्होंने बोला आपके पास जब दो ऑप्शन थे, विल इट अमाउंट टू ओमिशन, आंसर इज नो, विल इट अमाउंट टू रॉन्गफुल स्टेटमेंट, आंसर इज नो. बोले जब आपके पास दो ऑप्शन है, कोई गलती नहीं है, वहां पे रिवाइज रिटर्न नहीं चल पाएगी. तो प्लीज नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई इट इज सो, हम कई बार गलती करते हैं, मान लो 115 बीएससी की बात करते हैं क्योंकि रिजाइम की बात हो रही है सर, अप्रिशिएट करें. 115 बीएससी में रिजाइम है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे लिखा हुआ है सर, और अप्रिशिएट करें वैसे 10, 20, 30. अब पता लगा मान लो मैं रिटर्न भरी, रिटर्न भरने के बाद पता लगा यार ये तो 115 बीएससी भरते तो 6 टैक्स कम पड़ जाता या दो बेनिफिट और हो सकते थे. तो अब आपके दिमाग में कई बार आता है कि 115 बीएससी अब बाद में भर देते हैं और भरने के बाद रिवाइज कर देते हैं, कैन यू डू इट? आंसर इज नो. आपके पास दो ऑप्शन थे बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, आपने अगर ये ऑप्शन चूज किया दैट विल नॉट अमाउंट टू ओमिशन और रॉन्गफुल स्टेटमेंट. आर गेटिंग पॉइंट? तो व्हाट आई वांट टू से सर, ये रिवाइज रिटर्न तभी भर सकते हो या तो आप ये प्रूव करो ओमिशन हो गया, कुछ मुझसे छूट गया, चाहे वो आपकी डिडक्शन लेनी भूल गए, जैसे लेटर से आपने एटीसी नहीं लिया, आपकी कोई इनकम छूट गई, वो डालना छूट गई. आर यू गेटिंग पॉइंट? आपकी इनकम टैक्सेबल थी या फिर टैक्सेबल नहीं थी, वो आपने एक्सेप्ट कर दी गलती से या वाइज वर्सा है, ये गलती हो गई, प्लीज अप्रिशिएट करें. पर जहां पे आपके पास दो ऑप्शन थे वहां पे 139(5) नहीं वर्क कर पाएगा. मैं क्यों आपको सर, अब प्लीज अप्रिशिएट करें. इसका मतलब क्या है? अगर आपने जब रिटर्न भरी उसमें 115 बीएससी को टिक मार दिया, आप फॉर्म भरना भूल गए सर, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यू हैव शोड द इंटेंशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. आपने टार भरा, वहां पे आपने ऑप्शन को टिक कर दिया, टार में क्लॉज 8A में पुट अप कर दिया, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म भरना भूल गए. अब प्लीज नोट करें, जहां पे आपने कोई इंटेंशन भी नहीं दिखाई, अर्गेटिंग पॉइंट, और फॉर्म भी नहीं भरा, सर टेक माई वर्ड्स, वहां पे ये जो आपका विप्रो वाला का जजमेंट है ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा. मैं क्लियर हूं सर आपको? नाउ दो मेजर इश्यूज आपको बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट. पहला, अप्रिशिएट करें व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर, बाय प्लीज अप्रिशिएट करें. सर एसएससी आर्ग्यूड इन रिलेशन टू एचएससी एचएचई, जहां पे आपको याद होगा बहुत सारी जजमेंट है जहां पे उन्होंने बोला है कि यार ये जो डिडक्शन वाले चैप्टर में अगर फॉर्म नहीं जमा हुआ इट इज अ टेक्निकल एरर, ये डायरेक्टरी नेचर है. तो सुप्रीम कोर्ट सेड प्लीज चेक इट कि सर ये चैप्टर 3 के अंदर है, और चैप्टर 3 क्या बोलता है, ये वो इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. तो प्लीज नोट करें, जो चैप्टर 6A का जो पार्ट है उसको आप चैप्टर 3 में नहीं पढ़ सकते. तो मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज नोट करें, मैं हमेशा ही बोलता था सर अगर कोई चीज चैप्टर 3 में है, चाहे 10A है, चाहे 10B है, व्हाटएवर द केस में भी, दो देयर वेरियस स्पीकर हु यूज्ड टू से कि देखो सर ये तो डिडक्शन वाला चैप्टर है, प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन इज रॉन्ग. सर अगर प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन आपने चैप्टर 3 में कर दिया, 14A में इंपैक्ट आएगा. प्लीज नोट कर ले, अब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जो मैं बोल रहा था वो क्लियर कर दिया, दे सेड यस अब ये चैप्टर 3 की इनकम है और इट हैज टू बी कंसीडर्ड वेरी विजिटली. और प्लीज अप्रिशिएट करें, सेक्शन 14A में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले टाइम पे इसका आएगा, जो हम कंसीडर नहीं करते थे इन रिलेशन टू 10A, 10AA, 10B, 10BA. मैं क्लियर हूं आपको सर, बिकॉज इट इज द चैप्टर 3 व्हाट वाज रिटेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड थिंग, एक बात और, चलिए एक प्रैक्टिस पॉइंट भी बता देता हूँ आपको, जो बैठे हैं ब्रिजेश ने बुलाया, ब्रिजेश ने बोला जी मजा आया कि कुछ सेमिनार में कुछ ऐसे पॉइंट भी बता देना लोग कमा भी ले.
माय क्वेश्चन इज, मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं आपके लिए, दो इस जजमेंट से कोई लेना नहीं है. लेट अस रिज्यूम हाइपोथेटिकली, मान लीजिए आपने देखा सर कंपनीज के लिए दो आए हैं रिजाइन, एक 115 बीएबी और एक 115 बीडबल ए. आपको याद है सर 115 बीएबी तो होता है कि अगर मान लीजिए आपने 2019 के बाद कंपनी बनाई है, और 115 बीडबल ए है कि अगर आप 25% से, अगर 25% में तो 22% पे जा सकते हो इन दैट केस, यहाँ पे मैक नहीं लगेगा. माई क्वेश्चन इज कि जब आप 115 बीडबल ए पे जाते हो तो होता क्या, उसमें लिखा हुआ है आपको एडिशन डेप्रिसिएशन 35D ये सब कुछ नहीं मिलेंगे. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लेट अस रिज्यूम कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आज की डेट में मेरे पास कुछ डेप्रिसिएशन है इंक्लूडिंग एडिशन डेप्रिसिएशन आल्सो, और वो पूरा पूरा मेरा सेट ऑफ नहीं हो पा रहा. माय क्वेश्चन इज क्या मैं अगले साल 115 बीडब्ल्यू में जा सकता हूं, अगले साल 115 बी डाल सकता हूं, और साथ के साथ चाहे मेरा डेप्रिसिएशन पूरा नहीं हो रहा उसके बावजूद भी क्या एडिशन डेप्रिसिएशन मैं रख सकता हूं? आंसर यस या नो, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का. बताइए सर. नो. यस जगत नारायण जी कह रहे हैं यस, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? नो. समझिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे नो कह रहे हैं, सब नो कह रहे हैं, आप समझिए सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. एक तो पहला सर, पहली बात, मेरा नाम नितिन है, तो नितिन का जो हमेशा अगर आप तोड़ेंगे, अगर हिंदी में तोड़ेंगे, नितिन का मतलब होता है नित नया. आप ही मान के चले हमेशा नई चीज बताऊंगा आपको मैं जो आपने सोची नहीं होगी. और मोस्टली आंसर आप आज डायरी में नोट कर लें, जितने आप आंसर सोचेंगे सबके आंसर उल्टे निकलेंगे ये मान के चलेगा. समझिए सर, लेट अस से ब्रिजेश जी का एक क्लाइंट है और उसका प्रॉफिट है से 40 रुपीज, राइट, बट बिफोर डेप्रिसिएशन, और उसका डेप्रिसिएशन है मान लीजिए 50 रुपीज हाइपोथेटिकली, और एडिशन डेप्रिसिएशन 10 रुपए, राइट, एडिशन 10 रुपए. तो नॉर्मली क्या होता है सर, 40 माइनस 50, 10 रुपए रह गया और 10 रुपए एडिशन हो गया. तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे या फिर आप करंट ईयर डेप्रिसिएशन मानोगे, 10 रुपए हो जाएगा आपका आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और 10 रुपए आपका कौन सा हो जाएगा, एडिशन डेप्रिसिएशन. तो माय क्वेश्चन इज कहां पे लिखा हुआ है कि सर पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस होगा बाद में एडिशन डेप्रिसिएशन लेस होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता 40 माइनस 10 जो एडिशन डेप्रिसिएशन था बचा 30, 30 माइनस 50 जो 20 बचा वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है? सर कहां लिखा हुआ लॉ के अंदर? कहीं नहीं लिखा हुआ. Only thing how you perceive the things. That's what I'm saying. Let us say, मैं आपको एग्जाम्पल और समझाता हूँ. Let us say, आपको याद होगा जब बचपन में आपकी पास गुल्लक होती थी, आपकी मदर आई, नानी जी आई, दादी आई, बुआ आई, मासी आई, सबने किसी ने 100 का नोट, किसी ने 500 का नोट, किसी ने 250 रुपए ऐसे डाल दिए. My question is, आपने 10 साल बाद उस बुकनी को तोड़ा तो आप ये बता सकते थे कि यार कौन सा नोट किसने दिया? The answer is no. Same is the case of deposition. The moment you calculate the deposition, चाहे वो additional हो चाहे आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो, जैसे ही आप पूल में डालते हो उसके बाद मिक्सचर बन जाता है, यू कांट सेग्रीगेट इट. और मान लीजिए आप सेग्रीगेट कर भी सकते हो तो कहां लिखा हुआ है कि पहले आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस होगा बाद में एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस होगा? तो अप्रिशिएट करें सर, पहले मैं क्या करूंगा, ब्रिजेश जी क्या करेंगे, 40 माइनस 10 जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था बचा 30 प्रॉफिट, 30 में से क्या लेस करेंगे आप? yes. सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन. तो जो 20 रुपए क्या बचेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन. इसका मतलब जब मैं 115 बीडब्ल्यू में जाऊंगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. मैं क्यों आपको सर, दूसरी बात एक और नोट कर लें सर, चैप्टर 40 में कहीं नहीं लिखा हुआ क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर होता है और डिप्रेशन होता है. कहीं पे लिखा हुआ है कि पहले ये लेस होगा प्रॉफिट में से बाद में डिप्रेशन लेस होगा? हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जो डेप्रिसिएशन है वो करंट ईयर डिप्रेशन का पार्ट बन जाता है. देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटी, कुछ परमिटेशन कमीशन बन सकती है, कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे आपको फायदा इसमें मिले, पहले आप डिप्रेशन ले लो, पहले आप डेप्रिसिएशन ले लो बाद में खर्चे ले लो. लेट अस से आपने शुरू किया राइट, और सेल ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं निकला, तो फिर बात है जब पूरा साल लग गया तो उस साल का तो प्रॉफिट आपका खर्चा नुकसान होगा, डिडक्शन मिलेगी. अब उस साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका बहुत सारा है, आर यू गेटिंग पॉइंट, डेप्रिसिएशन बहुत सारा है, आर यू गेटिंग पॉइंट. अब ऐसे केस में अगले साल अगर 115 बीडब्ल्यू में जाना है और मैंने खर्चे अगर पहले घटा दिए तो प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं. तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, और मुझे पता अगले साल में प्रॉफिट में आने वाला हूं, तो व्हाट आई विल डू सर, पहले इनकम में से डिप्रेशन लेस करूंगा, ग्रॉस रिसीट में से, उसके बाद खर्चों को लेस करूंगा. मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से, मैं डिप्रेशन को कैरी फॉरवर्ड कम से कम करूंगा. आर यू विद मी यस ऑर नो? आपकी बिजनेस लॉस को सेट ऑफ वो कर दूंगा ताकि अगले साल वो एडजस्ट हो जाए. मैं क्लियर हूं आपको सर? और अगले साल 115 बीडब्ल्यू में जा रहे हैं, मैट झगड़ा भी नहीं रहेगा.
इट इज ओनली हाउ यू रीड द सेक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर ये नहीं है चार टीचर पढ़ा चुके हैं, जो उन्होंने पढ़ाया वो भी सही है। सर अपने दिमाग से सोचें सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सर कंपटीशन में ये लिखा हुआ है आपको डिप्रेशन कैसे मिलना है, उन्होंने बताया खर्चा कैसे मिलेगा, उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा प्रायोरिटी बताई। प्रायोरिटी सिर्फ मैट में बताइए प्लीज, अप्रिशिएट करें। या आपको प्रायोरिटी बताई गई है कहां पर, प्रायोरिटी बताई गई है जब आप सर अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करते हो। करंट ईयर प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए कोई प्रायोरिटी सेट नहीं है, अरविंद ये सुनो राइट सर। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर में पारुल गर्ग ने पूछा हुआ है, मैन पावर सप्लाई के केस में क्या होगा। सर इन्वेशन 36(1)(b) भी है, शी सेड मैन पावर सप्लाई में मैम मैंने बताया आपको वन वे इज, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 143(1)(a) में एडिशन हुई है कि 143(2)(b) में हुई है। अगर 143(1)(a) में एडिशन हुई है और 12 अक्टूबर से पहले हुई है तो वेरी वेल, मैंने आपको बताया मुंबई आईटीटी का जजमेंट बता दिया, जो मैंने कहा वेरी वेल आर्ग्यूड है और वेरी वेल बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया भी है कि 143(1)(a) के अंदर एडिशन नहीं हो पाएगी। साथ के साथ मैंने मैन पावर सप्लाई है तो आप ये भी आर्गुमेंट ले सकते हैं कि वहां पे बोर्ड रिसीव्ड है और मैं तो डिडक्शन कर रहा हूं, और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि हम टीडीएस काटते हैं हमें पता है डिडक्शन और रिसीव का मतलब क्या है, फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो आप 37 में इट हैज टू बी डिडक्शन हैज टू बी गिवन अंडर सेक्शन 37 रेड विद 43 बी, सेकंड थिंग। थर्ड मैंने जो आर्गुमेंट आपको दिया है कि अगर आपका 15 20 25 दिन लेट है, से 15 जून थी और आपने जो जमा करा दिया 20 जून या 25 जून को, तो मैंने आपको कनोई पेपर का जजमेंट बताया आपको। कनोई पेपर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके साफ तरीके से बनाया कि ड्यू डेट का मतलब क्या है जब आप सैलरी पे अगला महीना। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर अप्रैल की सैलरी आप मई में कर रहे हो, मई की सैलरी अगर आप जून में कर रहे हो तो जून फिर उसका अगला महीना। सर ये कनोई वहां पे काम नहीं करेगा, अगर आपने अप्रैल की सैलरी अप्रैल में दे दी होगी फिर काम नहीं करेगा, मई की सैलरी मई में दे दी होगी फिर काम नहीं करेगा, ये तभी काम कर पाएगा जब आपने अप्रैल की सैलरी अगले महीने दी होगी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है बॉम्बे आईटीएटी का जजमेंट का, तो आपने शायद बताया था दिस इज 2376 यही नंबर था। हां 2376 आईटीए नंबर 2376 सर। हां कैरी ऑन प्लीज, ओके। और एक मैं कहना चाहता हूं प्लीज, अब ये मेंबरशिप नंबर मत मेंशन करिए चैट बॉक्स में, क्योंकि जिन लोगों ने रजिस्टर कराया हुआ है और जो लॉग इन करके सेशन को अटेंड करते हैं उन सबको ही अटेंडेंस मिलेगी, आपका मेंबरशिप नंबर हमारे पास है। तो जनरली मैंने देखा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉगिन कराने के बाद भी हम मेंबरशिप नंबर लिखते रहते हैं, ये कहीं कभी कोई ट्रेडिशन चली होगी लेकिन सही माने में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उससे क्या होता है कि चैट बॉक्स जो है 90% मेंबरशिप नंबर से फ्लडेड हो जाता है, तो जो वेबिनार के रिलेटेड जो पॉजिटिव चैट है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यही सेशन नहीं किसी भी वेबिनार में आपका मेंबरशिप लेने की वहाँ कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आपकी मैंने बताया क्योंकि हमारा क्वेश्चन है असेसमेंट और रीअसेसमेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज अप्रिशिएट करें। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मैं तीन चार चीजें बताऊंगा, अगर आपने मेरा सेमिनार नहीं सुना टेक माय वर्ड्स, आपने ये बातें नहीं सुनी होंगी, चाहे कोई भी वेबिनार ले ले कोई भी किसी भी सुनो ये पक्का मान ले, मैं ये तीन चार चीजें नई नई चीजें बताऊंगा आपको। अप्रिशिएट करें, मेरा क्वेश्चन ये है क्या हुआ सर आशीष अग्रवाल का केस आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 4 मई 2022 को जजमेंट आया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया जितने भी 148 नोटिस इशू हुए थे अर्सवाल जैन के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 के बाद और 30 जून से पहले पहले उन्होंने सब नोटिस को उन्होंने डीम कर दिया 148 ए के बी क्लॉज के हिसाब से। उन्होंने बोला भैया जो आपका 149 के जो जो आपकी डिफेंसेस अवेलेबल है और जो आगे जो भी काम होना है वो प्रोसीजर फॉलो करना है। तो दे सेड दे गिवन अ 30 डेज टाइम फॉर टू द डिपार्टमेंट कि आप इनको इंफॉर्मेशन दो इनको साथ के साथ, और 14 दिन का टाइम दे दिया टू रिप्लाई, बैलेंस सारा काम प्रोसीजर के हिसाब से होना। माय क्वेश्चन इज, अब उसके बाद 148 डी के ऑर्डर आया उसके बाद 148 आया, माय क्वेश्चन इज फॉर यू और ये इंपॉर्टेंट है सर, आशीष अग्रवाल के बाद जो जो 148 के नोटिस आए, आशीष अग्रवाल के बाद बता रहा हूं मैं आपको राइट, जो जो 148 के नोटिस है, मैं 148 बी की बात नहीं कर रहा, ए 148 ए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 148 की। माय क्वेश्चन इज कि जो 148 इशू हुए आफ्टर आशीष अग्रवाल केस, क्या वो सही है irrespective of financial year। मैं उन बातों में नहीं जा रहा कि 13, 14, 15 वो ठीक है नहीं है, उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अप्रिशिएट करें सर, ये बात आपने नोटिस किया होगा कहीं नहीं देखी होगी। सर नोट करें सेक्शन 151A, सेक्शन 151A सर अप्रिशिएट करें, सेक्शन 151A जो आया था, सेक्शन आया था दिस केम इन 2020 और दो साल का पीरियड दिया गया था, व्हाई इट इज सो, बिकॉज फेस असेसमेंट शुरू हो गई थी
तो इन्होंने 151A लेके आए, इनका टारगेट क्या था 151A का कि भैया हम 151A क्यों लेके आएंगे, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकंपटीशन अंडर 147, इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर 148, कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी और इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर 148 और सैंक्शन फॉर इश्यू ऑफ सच नोटिस 151, ये चार चीजों के लिए 151A लेके आए। पर अप्रिशिएट करें सर, मैं सिर्फ इश्यूएंस और नोटिस की बात कर रहा हूं, बाकी तीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, प्लीज नोट कीजिए। सर हुआ क्या कि सर मैंने बताया सर फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा आया था और उसमें लिखा गया था कि इनको कोई भी अगर नोटिफिकेशन इशू करना है इनको करना है 31 मार्च 2022 से पहले पहले। प्लीज नोट कर लीजिए डेट कब की है, बिफोर 4 मई 2022 से पहले चमाशी शेखर का जजमेंट आया था। अब देखिए सर 29 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, इनकम टैक्स 151 है, बट दिस सेड और नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, देखिए नंबर 18/2022 फाइल नंबर 370142 एसओ 146 ई एग्जम्पशन डेटेड 29 मार्च, दिस सेड इश्यूज ऑफ नोटिस रेज फॉर गेटिंग द प्रोसेस ऑटोमेटिकेशन फॉर इश्यू ऑफ नोटिस 148 शैल बी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन। 148 का नोटिस कैसे इशू होना चाहिए था सर, ऑटोमेटिक एलोकेशन का मतलब लेट अस से सर लेट अस प्रेज्यूम दैट अशोक जैन जी हाइपोथेटिकली सर हमारे जुडिशियल एओ है मेरे मान लीजिए, तो 148 का प्रोसीजर इनको फॉलो करना चाहिए था। अब 151A के 29 मार्च के नोटिफिकेशन के बाद जितने भी 148 होने थे वो कैसे होने चाहिए थे, ऑटोमेटिक एलोकेशन से। इसका मतलब सर 148 का प्रोसीजर तो अशोक जैन जी यूज करेंगे, अब पॉसिबिलिटी है सर ऑटोमेशन होगा, पॉसिबिलिटी है शायद मोहन जी या ब्रजेश जी को देख के देखेंगे कि क्या 148 का नोटिस इशू होना है या नहीं होना। और हमारे केस में क्या हुआ है, सारे के सारे नोटिस किसने इशू किए हैं, जुडिशियल एओ ने इशू किए हैं। मैं क्यों आपको सर फिर से बोल रहा हूं, सर नोटिस किसने इशू किए हैं, जुडिशियल एओ ने 148 के, जबकि इशू किसने करने चाहिए थे, किसी ऐसे एओ द्वारा जो ऑटोमेटिक एलोकेशन द्वारा सिलेक्टेड हुआ हो। अप्रिशिएट करें सर जितने भी नोटिस आए हैं आफ्टर आशीष अग्रवाल केस, दैट इज ऑल आर बैड इन लॉ, रादर आई शुड से 29 मार्च 2022 के बाद कोई भी नोटिस आया होगा 148 का जो जुडिशियल एओ ने इशू किया होगा नॉट थ्रू ऑटोमेटिक एलोकेशन, ऑल आर बैड इन लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ सर असेसमेंट ईयर। क्लियर सर? सर मैं 148A के प्रोसीजर को नहीं कह रहा, वो तो जुडिशियल एओ ने करना था, पर जो 148 का नोटिस था वो किसने करना चाहिए था, इट हैज टू बी डन बाय ऑटोमेटिक एलोकेशन। Having said that, आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे नितिन व्हाट अबाउट असेसमेंट, असेसमेंट कैसे होनी थी, वो तो 144B के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है सर। प्लीज नोट कर ले दो चीजें, पहला जब 151A में आया तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में लिख दिया पहली बात कि सर असेसमेंट पहली बात तो 144B से ही गवर्न होगी, तो उन्होंने सीधा सर सीधा उठा के 144B की तरफ इशारा कर दिया इन रिलेशन टू असेसमेंट ओनली, नॉट टू द नोटिस। 144B सर नोटिस इशू की बात नहीं करता। साथ के साथ अगर आप इनोवेशन नहीं भी होता इससे पहले की बात भी करें तो प्लीज डायरी में नोट करें 144B स्टार्ट होता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेंड इन दैट, तो 151A को असेसमेंट के लिए प्लीज नोट करें, नॉट फॉर द इश्यूज ऑफ नोटिस सर, असेसमेंट प्रोसीजर के लिए वो ओवरूल कर जाता है। तो व्हाट आई वांट टू से 151A की दिक्कत सिर्फ कहां पे, डिपार्टमेंट कहां से गलती हुई सर, उन्होंने जब ये नोटिफिकेशन इशू किया सर वहां पे सर ऑटोमेटेड सिस्टम से एलोकेशन नहीं हुआ कि नोटिस कौन इशू करेगा, तो नोटिस इशू कर दिया सर जुडिशियल एओ ने। तो जितने भी नोटिस इशू हुए हैं और नॉर्मली कहां पे हुए हैं, इट इज फ्रॉम सर आशीष अग्रवाल के केस के बाद, सब नोटिस ऑल नोटिस आर बैड इन लॉ। क्लियर सर? कोई भी क्वेश्चन सर यहां तक प्लीज बताइए। कोई भी इशू सर यहां तक? हाँ मैं करता हूँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस करे हैं जी। और ये गौतम, क्योंकि दो तो इन्होंने गौतम सील हैं, तो गौतम सील आपका क्या क्वेश्चन है, आप मैंने अलाउ कर दिया आपको, अनम्यूट करिए गौतम, गौतम आपने को अनम्यूट करिए। हाँ जी गौतम बोलिए, गौतम जी अपना क्वेश्चन जी बोलिए, गौतम जी अनम्यूट करिए, आपका अभी म्यूट है, आप अनम्यूट करिए अपने को, अभी बीच में आपने अनम्यूट किया था फिर म्यूट कर लिया आपने।
मुझे लगता है शायद लोग गलती से हाथ पड़ा कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कम से कम आप अलाउ तो कर रहे हैं, कोई कई बार मैं तो बिल्कुल अलाउ कर रहा हूँ, एकदम ठीक। अभी अनिल पाल है, अनिल पाल आप यदि बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आप अनिल आप करते सर, कोई दिक्कत नहीं, किसको बीच में क्वेश्चन पूछ लो, पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। अनिल पाल आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अनम्यूट करिए, आपका ना लेफ्ट आपकी स्क्रीन में लेफ्ट पे लास्ट में होगा म्यूट अनम्यूट, उसको आप दबाएं तो अनम्यूट होगा। यदि मोबाइल से आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ना दिखे, लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नीचे की स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में म्यूट अनम्यूट का बटन दिखेगा। नहीं आई थिंक ही इज आल्सो हमने डिस्कस किया सर कि कोई भी नोटिस चाहे 148 में इशू हुआ आफ्टर 29 मार्च 2022, दैट इज बैड इन लॉ। क्वेश्चन इज कि लेट अस से कि हाइपोथेटिकली लोगों को ज्यादा दिक्कत आज की डेट में 13, 14, 15, 15, 16 से दिक्कत है, आप प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सबका आर्गुमेंट यही है कि भैया 2 लाख पहली बात तो असेसमेंट का पीरियड नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ नोटिस की बात करता था। और फिर अप्रिशिएट करें कि दैट दो मनमोहन कोहली लगा लें दिल्ली हाई कोर्ट, चाहे आप अशोक अग्रवाल लगा लें, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट और जितने बहुत सारे हाई कोर्ट है, बीट राजस्थान एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ जिसने पहली जजमेंट दी थी, अपार्ट फ्रॉम जितनी चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट लगा लें, सब जजमेंट आर इन द फेवर ऑफ एसएससी बिफोर ये आशीष अग्रवाल केस केम। पर आप आशीष अग्रवाल को भी देखें ध्यान से, तो आशीष अग्रवाल पे भी सर उन्होंने बोला दे कंकर्ड द व्यूज ऑफ द हाई कोर्ट, दे सेड कि जो जो हाई कोर्ट ने बोला है वो एकदम ठीक है, कि सर आपको सर नोटिफिकेशन जो सर जो नोटिस इशू करना चाहिए था वो आपको नए लॉ में करना चाहिए था आफ्टर 1st अप्रैल। हैविंग सेड दैट, नाउ आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो व्हाट हैपेंड, दिस मैटर वेंट टू अगेन टू द टचस्टोन होल्डिंग के अंदर, इट वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सर यहां पे यू टर्न लिया, दे हैवंट दो जो उन्होंने मनमोहन कोहली में बोला गया था, मनमोहन कोहली में बोला था और इट हैज बीन कंफर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 8 और 9 के अंदर ये पूरी तरह बोला, कंकर किया है कि जो जो हाई कोर्ट ने बोला एकदम करेक्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला था करेक्ट है, पर यहां पे एकदम यू टर्न दे दिया इन्होंने। हैविंग सेड दैट, व्हाट वाज आर्ग्यूड बाय वेरियस एसएससी इन दिस केस इज कि सर प्लीज नोट कर ले कि अगर 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर का ऊपर केस है या 50 लाख से कम का एज द केस में भी, 13, 14, 14, 15, 16 सही महीने में तो लिया ही नहीं जा सकता। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सर इसकी जो टाइम बारिंग है 31 मार्च 2021 थी और 15-16 की थी 31 मार्च 2022। तो क्वेश्चन इज अगर आप प्रोविजन 1 2 पढ़ते हैं 2 149 तो सही महीने में केस लिया नहीं जा सकता। पर यहां पे सर हाई कोर्ट सेड नो, 2 लाख के अंदर ये बढ़ गया था, चलो उस आर्ग्यू पे ले जाते। लेकिन मैं आपको एक बात गुड न्यूज सुना दू उसके लिए सर, आज की डेट में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने SLP एक्सेप्ट कर ली है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द SSC, और डिवीजन बेंच है और जस्टिस है AS बोपाना साहब एंड जस्टिस JP परदीवाला साहब, इन्होंने SLP और नोटिस हैज बीन इशूड टू द रेवेन्यू इन दिस रिगार्ड, बिकॉज जब SLP एक्सेप्ट होती है तो ये सिविल अपील बन जाती है और उसके बाद नोटिस इशू होते हैं नॉर्मली, राइट, इट हैज बीन डन, तो इट्स अ गुड न्यूज। पर हैविंग सेड दैट, हाइपोथेटिकली लेट अस प्रेज्यूम फॉर 13, 14, 14, 15, 16 मैं हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि भैया जो टचस्टोन में है दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला एकदम करेक्ट है, तो माय क्वेश्चन इज अब जो 148 के नोटिस इश्यू हुए, मैं मान के चल रहा हूं ना तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानता है हाइपोथेटिकली, जो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होगा, और ना 151A वाला जो मैंने आपको कमान जो आपको तीर बताया था वो तीर भी नहीं चलता हाइपोथेटिकली, वो भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो माय क्वेश्चन इज क्या इसके बावजूद 13, 14, 14, 15, 15, 16 में जो नोटिस आए हैं, 3 सालों के नोटिस आए हैं, क्या वो बैड इन लॉ है? टू मी आंसर इज यस, मैं मान के चल रहा हूं 2 लाख एकदम सही है, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला एकदम करेक्ट है, मैं ऐसे प्रिज्यूम कर लेता हूं, तो प्लीज नोट कर ले। अगेन आई एम गोइंग टू टेक यू टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इन द केस ऑफ पैरा नंबर 8 और 9, दे सेड इन दे सेड कि सर 149 के सारे डिफेंसेस आपको मिलेंगे, उन्होंने बोला 149 के सारे डिफेंस, 149 किसी कंटेस्ट में है, फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर 148, वो 148A की बात नहीं करता, तो प्लीज अप्रिशिएट कर, मैं आपको सीधा वहां पे लेके आता हूं जो इशू है मेजर। तो दो सर दो प्रोविजन नोट कर लें, प्रोविजन नंबर तीन और चार सर इन कंटेंट 149, बट दिस सेट प्रोविजन नंबर तीन और चार में तीन में ये बात बोली गई थी
ये जो टाइम अलाउड था, टाइम अलाउड था इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड टाइम इफ एनी टू द सीसी टू रिप्लाई द सच नोटिस, कौन सा नोटिस, 148 बी में था। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 148 के जितने भी नोटिस है वो क्या माने जाएंगे, 148 बी के नोटिस डीम किए जाएंगे। और अप्रिशिएट करें, उस बी के नोटिस के साथ क्या देना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 डेज दिए। तो सही मायने में 2 जून 2022, नोट कर लें, 2 जून 2022 तक आपके पास वो नोटिस आ गया। अब 2 जून 2022 के बाद नोटिस दिया, उसके बाद 14 दिए गए कि आपको 14 डेज में रिप्लाई देना है, 14 डेज में रिप्लाई देना है, ये नोट कर लें सर, राइट। तो उन्होंने बोला टाइम एक्सटेंशन होगी, किससे होगी सर, इन 14 दिन से होगी, राइट, पहली बात नोट कर ले, 14 दिन की होगी 148 के थर्ड प्रोविजो में। और एक इन्होंने बोला था कि अगर स्टे हो जाए, और अप्रिशिएट करें, स्टे में स्टे तो था नहीं। नाउ यू हैव टू रीड प्रोविजो 4 अगेन, रेड विद प्रोविजो 3। उन्होंने बोला था अगर प्रोविजो 4 ये बोलता है 149 का, कि अगर 149 के थर्ड प्रोविजो से आपके दिन बढ़ रहे हैं 7 दिन से ज्यादा, प्लीज नोट कर ले क्या लिखा हुआ है, 7 दिन से ज्यादा, तो आपको 7 दिन से ऊपर नहीं देने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अगर आपके 149 के थर्ड प्रोविजो से सर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लीज नोट कर ले, अगर मैं डिपार्टमेंट का व्यू मान भी लूं तो 13, 14 और 14, 15 कब खत्म हुए थे, 30 जून 2021, और 15, 16 कब खत्म हुए थे सर, 31 मार्च 2022, राइट, 31, यहां तक नोटिस चला जाना चाहिए था, अगर मैं डिपार्टमेंट का व्यू मान भी लेता हूं, दो मेरा पर्सन मानना है, 31 मार्च 2021 तक नोटिस आ जाने चाहिए थे, जो नोटिस नहीं आए एज पर 149(1) फर्स्ट प्रोविजो। नाउ हैविंग सेड दैट, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, उन्होंने बोला अगर आपका टाइम खत्म हो गया है और आपको 7 दिन से ज्यादा लग रहे हैं, तो देखिए नीचे क्या लिख रहा है, वेयर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड रेफर टू, जो मैंने आपको पर्पल में लिखा हुआ है, टू नंबर ए एंड बी अबव, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल टू द एसएससी ऑफिसर फॉर पासिंग एन ऑर्डर अंडर 140 इज लेस देन 7 डेज, इट शैल बी एक्सटेंडेड टू 7 डेज, ये फोर्थ प्रोविजन बोलता है, प्लीज नोट कर ले क्या लिखता है, इट क्लियरली स्पेसिफाई द पीरियड विल बी एक्सटेंडेड टू 7 डेज, नॉट एडिशनल 7 डेज, एडिशनल 7 दिन नहीं बोल रहा, 7 दिन में करना है। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको रिप्लाई देना था कब सर, सही महीने में 15, 16 जून तक, 17 जून लगा लीजिए अगर सैटरडे संडे भी काउंट कर लेते हैं, तो सही महीने में इनको 148 डी का जो ऑर्डर देना था वो देना था सर सही महीने में जून तक। और सर 99% केसेस में क्या हुआ है, दे हैव गिवन द नोटिस इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैं अगेन बोल रहा हूं 13, 14, 14, 15, 15, 16, इन तीनों सालों की बात कर रहा हूं, और किसी साल की बात नहीं कर रहा सर आपसे, मैं अप्रिशिएट करें, इन तीनों सालों में आपको अगर 17 जून को अगर आपके पास आया है, 24 जून तक आपके पास सर सही मायने में नोटिस आ जाना चाहिए था। और सब केसेस में मैं 99% बोल रहा हूं, 110% केसेस के अंदर क्या हुआ है, नोटिस वाज इशूड इन जुलाई। तो मेरा पर्सनल मानना है ये 149 का थर्ड प्रोविजन फोर्थ प्रोविजन इन्होंने डिपार्टमेंट ने इन तीनों सालों के लिए पढ़ाई नहीं, जब इन तीनों सालों के लिए पढ़ाई नहीं तो क्या हुआ सर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, दैट सारे डिफेंसेस जो 149 में है वो आपको अवेलेबल होंगे। वैसे केस के अंदर ये तीनों सालों केस, चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में भी दे दे तो भी सर सारे केस सर बैड इन लॉ बन जाएंगे। अरविंद में ये सुनो सर, सर यहां तो कोई भी पॉइंट सर आपका, सर मैं फिर बोल देता हूं, दोनों केस में मैंने क्या बोला, पहला बताया सर जो 151A के कंटेक्स्ट में मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी नोटिस आपका 29 मार्च 2022 के बाद आया 148 के अंदर, इट हैज टू बी डन थ्रू ऑटोमेटिक एलोकेशन, जो मैंडेट था नोटिफिकेशन का वो नहीं हुआ, इसलिए सारे नोटिस 29 मार्च के बाद जो भी आए हैं, क्योंकि 151A को इन्होंने कंसर्न ही किया, मेरे हिसाब से सब बैड इन लॉ है। पहली बात मैं मान के चल रहा हूं हाइपोथेटिकली कि ये 151A वाला हथियार हमारा नहीं चलता, और साथ के साथ जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी एडमिट कर गई है, आज की डेट में एडमिट करी है, प्लीज नोट कर लें, जब आज की डेट में एडमिट की गई है, और वो भी टच स्टोन वाले जजमेंट को रिट्रेट कर देता है, सेम एक्सेप्ट कर लेता है। तो माय क्वेश्चन इज सर, उसके बावजूद भी क्या 13, 14, 14, 15, 15, 16 में, क्योंकि इन्होंने सेक्शन 149 का थर्ड प्रोविजो और फोर्थ प्रोविजो सर कंसिडर नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था अपने पैराग्राफ नंबर 8 और 9 के अंदर कि आपको 149 के सारे डिफेंसेस मिलेंगे जो इन रिलेशन टू इश्यूएंस ऑफ नोटिस 148 है। तो मेरा पर्सनल मानना है आपने इन तीनों सालों के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16 में आपने प्रोविजन नंबर 3 और 4 पढ़ के जो नोटिस इश्यू करना चाहिए 24 जून तक, मैं मान के चल रहा हूं 17 जून लास्ट डेट थी,
तो अगर आपने 24 जून तक नहीं किया, टेक माय वर्ड्स, और सारे नोटिस कब इशू किया आपने? सर जुलाई के महीने में, सर सारे नोटिस इन तीनों सालों के बैड इन लॉ हैं। क्लियर सर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड फॉर इन कंटेस्ट टू दैट? नो क्वेश्चन टिल नाउ। नाउ देयर वाज, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट, और ये बहुत अच्छी जजमेंट है, प्लीज नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है सर? जब हम रीजन टू बिलीव अप्रिशिएट कर रहे हैं, अर्स्टवाइल एक्ट के अंदर सर रीजन टू बिलीव था, अर्स्टवाइल एक्ट में रीजन टू बिलीव था, और अब रीजन टू बिलीव नहीं है, अब तो इन्फॉर्मेशन है जो प्रोसेस होके मेटल बनेगी। पहले मैं आपको अर्स्टवाइल एक्ट में लेके जाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है, और अप्रिशिएट करें व्हाट वाज सेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे यार दिल्ली हाई कोर्ट है, पैन इंडिया क्या होगा सर? पैन इंडिया में कैसे एक्सेप्टेबली बनी है, और कैसे जजमेंट का फायदा आप सर अपने पुराने केसेस में उठाएंगे, और कैसे इनको नए में उठा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज नोट करें। तो देयर इज जजमेंट ऑफ 398 ITR 198 दिल्ली हाई कोर्ट, 398 ITR 198 दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ साब इंफ्रास्ट्रक्चर। साब इंफ्रास्ट्रक्चर में सर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या समझाया, उन्होंने बोला रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोला, बोला व्हाइल कम्युनिकेटिंग द रीजंस फॉर रीओपनिंग द जजमेंट, द कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड बाय द एओ फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर शुड इटसेल्फ बी प्रोवाइडेड टू द एसएससी। लेट अस से मैं ए हूं और ब्रिजेश जी मान लीजिए सर सीआईटी है, कंप्यूटर अथॉरिटी, तो वो कहते हैं भैया जिस फॉर्मेट को तो भर के लेके गया था ना ब्रिजेश जी के पास, उसी कॉपी भी दे। व्हाई इट इज सो, क्योंकि इसके दो फायदे होंगे। देखिए आगे क्या बोलता है, दिस वाज कंटेन द कमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। पहली बात तो ये पता लग जाएगा मैंने उनको कब इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने कितना टाइम लगाया, क्या देयर वाज सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यस और नो, पहली बात। क्या सही फैक्ट्स मैंने दिए या नहीं दिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार पुराने केसेस के अंदर, सर आपने रिटर्न भरी, इन्होंने बोला रिटर्न आपने उसमें लेते था, गलती से फॉर्म गलती से पंच हो गया, कि आपने रिटर्न भरी नहीं थी, या आपकी असेसमेंट आपकी ऑलरेडी पहले हो चुकी है, नॉर्मली पंच हो जाता था कि भाई साहब इनकी असेसमेंट पहली बार हो रही है। तो अप्रिशिएट करें ये सारे फैक्ट्स क्या है सर, ये रॉन्ग फैक्ट्स हैं। अच्छा आप रॉन्ग फैक्ट्स हैं, और आपको याद होगा सर आपका एक्सप्रेशन 1 2 अर्स्टवाइल 147 जहां पे बोलता था कि अगर आपकी पहले असेसमेंट ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तो ऐसे केस के अंदर आपको ये चेक करना है कि प्लीज पिछली असेसमेंट के अंदर क्या आपने ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए या नहीं दिए, राइट। तो अगर आपने ये चेक नहीं किया तो ऑफिस बात है ब्रिजेश जी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है, असेसमेंट हो चुकी है, तो ब्रिजेश जी मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। तो अगर मैंने रॉन्ग फैक्ट्स दिए ब्रिजेश जी को, तो सर वहां से अप्रूवल भी रॉन्ग ही आएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर, साथ के साथ हाइपोथेटिकली लेटर से ब्रिजेश जी के बहुत ही मैं क्लोज हूं। ब्रिजेश जी को बोला मैंने सर मैं आपको कितना सुबह सुबह आ जाऊंगा, चल तो आ रही हूँ नितिन। अब पता लगा इस मेरी तरह ऐसे 10 बंदे और हैं, सबके 500-500 केस हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो लगाएंगे। तो क्वेश्चन है 500 मेरे हो गए, 10 बंदे हो गए, तो कितने हो गए सर 5000 केस, तो 5000 × 5 मिनट सर क्या 31 मार्च को इतना टाइम है सर के पास? आंसर इज नो। इसका मतलब दिस इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। व्हाट दे सेड कि सर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देना है, उस पर एंडोर्समेंट कैसे करिए, डिसीजन और डेट लगा के ये कॉपी चाहिए, रीजन टू बिलीव का मतलब ये कॉपी आपने देनी है। साथ के साथ उन्होंने बोला द रीजन टू बिलीव ऑट टू स्पेल आउट ऑल द रीजंस एंड ग्राउंड्स अवेलेबल विद द एओ फॉर रीओपनिंग द असेसमेंट स्पेशली इन दोस केसेस विद द फर्स्ट प्रोविजन टू 147 इज अटेंडेड। जो मैंने बताया आपको फर्स्ट प्रोविजन क्या बोलता था कि अगर मेरी ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है, तो क्या मैंने पिछली असेसमेंट के अंदर जो ट्रू एंड करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन जुड़ी थी, क्या मैंने प्रोवाइड करी थी या नहीं करी थी, इफ आई प्रोवाइडेड तो क्या इस तरह की बात रीजन टू बिलीव में लिखी नहीं लिखी, प्लीज नोट कर ले सर ये ज्यूरिशन इशू है। लेट अस से आपका केस ऑलरेडी 143 में या 147 में पहले हो चुका है, और ऐसे केस के अंदर आप दोबारा 148 हो रहा है, तो आपकी रीजन टू बिलीव में लिखना लिखा होना चाहिए कि पहली बात तो उसने ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दी, पेपर्स नहीं दिए, और कौन से पेपर नहीं दिए वो भी लिखना जरूरी है सर। ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि आपने ट्रू एंड फेयर डॉक्यूमेंट, ट्रू एंड करेक्ट डॉक्यूमेंट उस टाइम में सप्लाई नहीं किए थे। They have to give this information. कौन से ऐसे document थे जो इन्होंने नहीं provide किए थे at the time of original assessment or reassessment? मैं clear हूँ आपको sir. Further, they said the reason to believe ought to have paraphrased the investigation report, which may form the basic reasons and inquiry conducted by the AO on the same. If so, conclusion thereof. बोले सर आपको ये नहीं बोलना है कि investigation से report आई है, आपको investigation report की copy भी लगानी है उसके साथ, paraphrase करने हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्या क्या काम किया, क्या इंक्वायरी कंडक्ट करी, और ये नहीं पॉइंट, ये सब कॉपीज आपने लगानी है। थर्ड बोलता है
where the reasons make a reference to another document, whether it's a letter or report, such document relevant portion of such report should be enclosed along with the reasons. Let us say investigation बोलता भैया ये एबीसी व्यक्ति था, इसने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है, ये कुछ एविडेंस मिल गए हैं, हमने कहीं सर्च की थी, आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, तब तो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने पड़ेंगे. फर्दर दे सेड द एक्सरसाइज ऑफ कंसीडरेशन इज ऑब्जेक्शन टू द रीओपनिंग इज नॉट अ मैकेनिकल रिचुअल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन. द ऑर्डर डिस्पोजिंग द ऑब्जेक्शन शुड डील विद ईच ऑब्जेक्शन एंड गिव प्रॉपर रीजन फॉर द कंक्लूजन. मतलब जब आप ऑब्जेक्शन को डील विद करोगे, इट हैज टू बी पैराफ्रेज आंसर देना है. सर ये नहीं कट कॉपी पेस्ट किया और उठा के बोला मैं नीचे नहीं मानता आपकी बात, विल नॉट वर्क. आपको लाइन वाइज हर ऑब्जेक्शन का आंसर देना पड़ेगा. नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ऐड द रीजंस. उन्होंने बोला आप ऐसा नहीं करोगे, पता लगा लेटर से मैं रीजन टू बिलीव बनाया और मुझे लगा यार ये दो पॉइंट तो छूट ही गए, लिखने भूल गया. तो जब मैं ऑब्जेक्शन को डिस्पोजल कर रहा हूं उसमें आपने दो नए पॉइंट और डाल दिए, सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है. दे सेड नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ऐड द रीजंस फॉर रीओपनिंग द इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड. अप्रिशिएट करें, दिस वाज़ अ जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. अब जो मेजर प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. सर कभी भी किस जजमेंट पर रिलाई अपॉन करें, पहले ये क्रॉस चेक भी कर लें साथ के साथ कि क्या उसके खिलाफ सर डिपार्टमेंट अपील में गया. अगर ITAT है तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट गया नहीं गया, हाईकोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट गया नहीं गया, या रिव्यू तो नहीं लगा दिया. सो व्हाई इट इज सो, मैं आपको बात से बोल रहा हूं, सर ये पर्टिकुलर जजमेंट के खिलाफ डिपार्टमेंट नहीं गया, तो इसका मतलब जो लॉ लेट डाउन किया बाय दिल्ली हाईकोर्ट दैट वॉज एक्सेप्टेड एज द लॉ बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. मैं क्लियर हूं पहली बात, तो ऑफिस बात है ये लॉ पॉइंट बन गया. अब ये लॉ पॉइंट दिल्ली तक नहीं रुका है, प्लीज नोट कर ले, मैं आपको जजमेंट क्या दिखा रहा हूं. देखिए जजमेंट ऐसा 2022 की पटेल इंजीनियरिंग हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे. अभी एक कटक की भी दिखाऊंगा, इससे पहले एक टाटा फाइनेंस की जजमेंट आई थी वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट की थी. अब देखिए यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट क्या बोल रहा है, बट दिस सेड दिल्ली हाईकोर्ट पैरा नंबर 9 बता रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट इन दिल्ली साहब 398 IR 198 हैड लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द मैटर ऑफ रीओपनिंग असेसमेंट. And one of the guidelines which was revenue was retrieved here was where the reasons make a reference to the document, the letter or report, such document relevant portion of such should be enclosed with or not. उन्होंने बोला भैया ऐसा तो आपने कुछ किया ही नहीं है. Appreciate करें भैया, assessment has to be quashed. Further देखिए उड़ीसा High Court of उड़ीसा कटक के अंदर उन्होंने भी same बात बोली सर, ये भी 2022 का judgment है. उन्होंने क्या बोला, further it is the seen that the reason for reopening the assessment, repeat the language DDIT. In Saab Investiture 398 and 198, the Delhi High Court similarly set aside a assessment, paragraph 15 of that decision. It has been observed that the assessment proceeding, especially 143 of that, have accordingly segmented, and any reopening the same has to be strictly sound legal basis. So please note, kar le, sir, ye particular judgment, because it has been never been taken up by to the Supreme Court by the department. It has accepted as the law by the department. So please appreciate, kare, har jagah isko accept kiya ja raha hai. What I want, this is the main judicial point. अगर आपको कोई भी केस पेंडिंग है CITPL और ITAT, सर अप्रिशिएट करें, और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, रीजन टू बिलीव में पर्चा ही मिला है, तो अप्रिशिएट करें, प्लीज आर्ग्यू, मेक इट अ फर्स्ट पॉइंट दैट ये जो पर्टिकुलर जितनी असेसमेंट हुई है इट इज बैड इन लॉ बिकॉज इट हैज नॉट एडहेयर्ड साफ इंफ्रास्ट्रक्चर 398 ITR 198. क्वेश्चन इज सर ये पर्टिकुलर चीज को क्या मैं आज की डेट में सर ये नया लॉ में पढ़ सकता हूं, बिकॉज रीजन टू बिलीव तो है नहीं. आप समझिए सर क्या है, सर अप्रिशिएट करें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़े इन रिलेशन टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन आशीष अग्रवाल केस, दे सेड इफ यू रीड दैट पर्टिकुलर जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि देखिए पहले वाले रिजाइम रिजाइम के अंदर होता क्या था, सबसे ज्यादा झगड़ा क्या आता था, क्या जीके ड्राइशॉट को आपने माना नहीं माना, क्या रीजन टू बिलीव आपके पास सही है या नहीं है, क्या आपके पास ये रीजन टू सस्पेक्ट तो नहीं है. उन्होंने बोला ये सारे झगड़े हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको 148A के रिजाइन मिलेगा, 148A के रिजाइन मिलेगा. तो प्लीज नोट कर ले, 148A में अब बात करता है इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पे रीजन टू बिलीव कर रहा है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें वो क्या बोलता है. जब आप 148A का प्रोसीजर फॉलो करते हो क्या बोलता है, 148A के अंदर बी में क्या लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, साथ में नोटिस देना है, और उसके बाद सर SSC अपना रिप्लाई फाइल करेगा, और उसमें ये भी लिखा हुआ है अगर आपने कोई इंक्वायरी करी है तो उसी कॉपी भी देनी है. प्लीज नोट करें, कोई इंक्वायरी करी है तो उसी कॉपी भी देनी है. अब यहां पे SSC अपनी अपना रिप्लाई फाइल करेगा, तो जो डी बोलता है 148 का डी बोलता है कि भैया आपने इंक्वायरी इंफॉर्मेशन
और उसके जवाब देखते हुए ये चेक करना है क्या जो मेटेरियल बन गया, तो प्लीज नोट करें 148 एक एक मशीन है जहां पे आपने इंफॉर्मेशन नाम का रॉ मेटेरियल डाला, वो प्रोसेस हुआ आफ्टर पुटिंग सर द रिप्लाई गिवन बाय द एसएससी, और उसके बाद आपको चेक करना है क्या वो मेटेरियल बन गया या नहीं बन गया, जिससे आप 148 डी के ऑर्डर देते हुए 148 के नोटिस इशू कर पाओ। अगर वो इंफॉर्मेशन मेटेरियल नहीं बन पाई, और प्लीज नोट कर लिए मेटेरियल वर्ड का मतलब नॉट लेस देन रीजन टू बिलीव, नोट करें, अगर आप 149 सेक्शन को पढ़ें और क्लॉज 1B जहां पे वो 3 साल से 10 साल की बात करता है, तो क्या बोलता है, 3 चीजें क्या क्या, दैट असेसिंग ऑफिसर हैज डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस बुक्स अकाउंट इन हिज पोजेशन, उसके पोजेशन में होनी चाहिए तीनों चीजें, तीनों में से कुछ भी, और विच रिवील्स, प्लीज नोट करें विच रिवील्स, तो इसका मतलब ये अगर आप इसको रीड करेंगे विद 148D, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट लेस देन रीजन टू बिलीव। तो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब आपके पास 148B में इंफॉर्मेशन आए तो आपको ये साफ इन्वेस्टर को पुट करते हुए बोलना है सर तो जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वहां पे भी अप्रूवल लेते हो आप, अप्रिशिएट कर वहां भी अप्रूवल लेते हो, तो आपको अप्रूवल आपने कैसे लिया, उसी कॉपी, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो उसकी कॉपी, कोई अगर आप स्टेटमेंट की दे रहे हो तो उसी कॉपी, पहले वो कॉपी दो तब जाके वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर बनेगी जिसको मैं प्रॉपर प्रोसेस कर पाऊंगा। मैं क्लियर हूं आपको सर, तो इसको वहां पे आप आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर हूं सर आपको, राइट सर। एक नागेंद्र कामरा है, नागेंद्र कामरा जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज देखिए इस बार मिस फायर ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अनम्यूट करें अपने को, मैं अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। नागेंद्र कामरा आप अपने को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। सर नो सर, नमस्कार जी, बोलिए सर, नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन सर, हाथ हाथ खड़ा मत करें, अच्छा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इस बारे कब से कब किसी ने आवाज तो दी ना आपसे सर, नाउ लेट अस कम टू सर, एक कंप्लीट थर्ड सेक्शन 151 में अप्रूवल देखते सर, इसमें दो जजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, अप्रिशिएट करें, एक जजमेंट तो होगी सर टाटा रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, अब बोलोगे यार टाटा से इसका रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन सर आपको दिखाऊंगा, अप्रिशिएट करें सर, जब हम अभी अब तक अभी तक ने सर साब इन्वेस्टर में क्या पढ़ा कि सर सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आपको वो डॉक्यूमेंट भी देना है जो डॉक्यूमेंट आपने CIT, जैसे मैं AO था, मैं ब्रिजेश जी के पास जो कागज लेके गया था जिसमें सारे फैक्ट्स लिखे थे ताकि मैं इनका अप्रूवल ले पाऊं, राइट, इसका पर्पस क्या, कैसे कोरिलेट कर रहा हूं मैं इसके साथ, अप्रिशिएट कीजिएगा। 151 में झगड़ा पहला क्या आता था, पहला झगड़ा, 3 झगड़े आते थे, पहला जो मैंने बताया, पहला कि क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सर के पास इतना टाइम भी था, ब्रिजेश जी के पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो पाया, जैसे मैंने बताया सर 5000 केसेस थे, सब में अप्रूवल देना था, सर 5-5 मिनट मिनिमम देंगे, सर इतना टाइम ही नहीं है सर के पास, राइट, तो किस डेट मैंने किस डेट पे एप्लीकेशन लगाई और इनके यहां से अप्रूवल कहां आया, लेटर से 31 मार्च को मैंने मूव किया और 31 मार्च को इनके पास से आ रहा है, क्या पार्टी लगाए, पॉसिबिलिटी है, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, पॉसिबिलिटी अकेले मेरे साथ ही होगा, बहुत सारे केस में हुआ होगा, वन कैन मूव RTI कि कितने लोगों को अप्रूवल दिए सर, आप पहले ये बता दो मेरे को एक दिन के अंदर, वन थिंग, जो मेजर दो इशू आते थे, पहला कि जब मैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिमाग में आता था कि भैया लेट अस से जब हम पुराने अश्वेत प्रोजेक्ट में जाते हैं तो वहां पे 4 साल और 6 साल की बात होती थी, तो एक केस में तो होता था कि अगर आपके कंप्यूटर अथॉरिटी होते थे एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, और दूसरे में कमिश्नर, तो क्वेश्चन कई बार आता था लेट अस से मेरी विजय जी कमिश्नर है, जो एडिशनल कमिश्नर उससे मेरी बनती नहीं है, और मान लीजिए वो केस एडिशनल कमिश्नर साहब के पास लगता है, मैं बोलता छोड़ यार कौन जाएगा, वो मतलब झैझ होगी, अननेसरी, मैं विजय जी के बहुत बहुत मेरे को अपना बच्चा मानते हैं, मैं ब्रिजेश जी के पास ब्रिजेश जी ने अप्रूवल दे दिया, तो क्वेश्चन इज सर अगर एडिशनल कमिश्नर की जगह मैंने कमिश्नर का अप्रूवल ले लिया, क्या डिपार्टमेंट बोल सकता है कि सर मैंने तो बड़ा दिमाग यूज किया है, क्या मैंने बड़ा दिमाग यूज किया है, तो ऐसे केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मान लीजिए हाइपोथेटिकली दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि सर अप्रूवल का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि लेट अस से मैं ब्रिजेश जी के पास गया, ब्रिजेश जी ने ठीक है देते, मेरे से अप्रूवल है, राइट, इन्होंने नोटिस, मैंने बोला ठीक है सर मैं नोटिस इशू कर रहा हूँ, मैंने कहा सर अप्रूवल पीछे से दे देना आप आराम से, तो उन्होंने जैसे मैं नोटिस दिया 2 दिन बाद इनका अप्रूवल भी आ गया, तो क्या दैट इज वैलिड, और मैं बोल सकता हूँ कि सर मैंने ओरली तो इनसे बात कर ली थी, इन्होंने ओरली एग्री कर दिया था, तो अप्रिशिएट करें ये दोनों केस समझाने के लिए, तो जजमेंट दिखा रहा हूँ आपको मैं, पहले मैं टाटा वाले केस पे आता हूँ फिर आता हूँ इस पे, सर दिस केस वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, और ये पहला वाला इशू है, पहला वाला कौन सा इशू सर, दिमाग
जितना लगाना था वही लगेगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इस केस में क्या हुआ टाटा के अंदर, व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ पर्टिकुलर एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के खिलाफ सर फर्दर आपको डिपार्टमेंट को लिटिगेशन फाइल करनी थी। और टाटा एवरीबॉडी इज नो दैट वो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस, संजय दत्त वाला मैटर, सब एवरीबॉडी नो व्हाट टाटा इज, राइट। तो अप्रिशिएट इस केस में क्या था सर, डीएसपी को रिपोर्ट देनी थी कि क्या इस व्यक्ति के खिलाफ केस आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो डीएसपी ने बोला भैया सर मेरे को छोड़ दो आप, उन्होंने ये एप्लीकेशन वो उठा के एडिशनल सेक्रेटरी को दे दी और एडिशनल सेक्रेटरी ने अप्रूवल दे दिया कि आप ठीक है इस पे केस चलाओ। नाउ द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसएससी द एक्यूज आर्ग्यूड कि सर अगर ये पावर डीएसपी को दी गई थी तो क्या एडिशनल सेक्रेटरी इसको यूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सेट आंसर नो, उन्होंने बोला भैया ऐसे तो केओस क्रिएट हो जाएगा, जब हमने एक पर्टिकुलर पावर किसी व्यक्ति को दी हुई है तो कोई डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू नहीं कर सकता सर मैंने छोटे दिमाग की जगह बड़ा दिमाग यूज कर लिया है। तो छोटा दिमाग चाहिए इस काम के लिए तो छोटा दिमाग ही यूज करेगा। अगर डीएसपी को रिपोर्ट फाइल करनी थी तो डीएसपी ही रिपोर्ट फाइल करेगा। तो सेम एनालॉगी सर यहां पे भी लगेगी। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर कोई काम एडिशनल कमिश्नर से होना है, ज्वाइंट कमिश्नर से होना है, तो वो कमिश्नर या चीफ कमिश्नर से आप नहीं करा सकते। सेम वे जो काम कमिश्नर से होना है या चीफ कमिश्नर से होना है, यू कांट गेट इट डन फ्रॉम ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। मैं कहूं आप सर ये पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने दूसरा आर्गुमेंट दिया था सर एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब क्या है, तो ये जजमेंट है सर बॉम्बे हाई कोर्ट की और ये फुल जज बेंच है सर, सिद्धू हजारिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अप्रिशिएट करें सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या समझाया। बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट कि पहली बात तो आप नोटिस कर लें कि अगर आप सेक्शन पढ़े, सेक्शन में क्या लिखता है, नो नोटिस कैन बी इशूड, 181 बोलता है नो नोटिस कैन बी इशूड। इसका मतलब उन्होंने बोला इसके दो पर्पस है मेजर, पहला कि दो एसेसिंग ऑफिसर को तो ध्यान रखना है कि नोटिस अगर सही इशू होना है तो इशू करेगा, और उसके ऊपर एक चेक भी है। मान लीजिए नितिन कनवर बींग एन एओ आर्बिट्रेली कर लेता है, अब ब्रिजेश जी का एक चेक है कि क्या नितिन कनवर ने जो पावर एक्सरसाइज करी है टू इशू द नोटिस इज इट करेक्ट और नॉट। उन्होंने बोला एक मेयर फॉर्मेलिटी नहीं है 151, इट इज अ डबल चेक, सो एज टू सी कि भैया जो काम आपको करना चाहिए था आपने प्रॉपर ढंग से किया नहीं किया। अप्रिशिएट करें 148 में जो नोटिस इशू होते हैं दीज आर कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज एक्सेप्शनल पावर, ये 143(2) नहीं है। तो ऐसे केसेस एक्सेप्शनल पावर को यूज करना है तो बोला डबल चेक हो पाएगा। और उन्होंने बोला जब जहां पे लिखा नो नोटिस कैन बी इशूड, तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या किया सर, मैं ओरली तो ले लिया था, मैंने नोटिस इशू कर दिया पर सर रिटर्न में बाद में आता रहा। उन्होंने बोला भाई डॉक्यूमेंट है आप, यू टू प्रूव इट दिस थिंग, आंसर इज नो। उन्होंने बोला साथ के साथ सर जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात करते हैं तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखोगे यस आई एम सेटिस्फाइड और ब्रीफली रीजंस, सिर्फ यस लिखने से, आई एम सेटिस्फाइड लिखने से, ओके लिखने से दिस विल नॉट प्रिज्यूम इट that there was an application mind by the competent authority. You know, sir. So what do you mean application of mind? वो समझना बहुत जरूरी है। और अब मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। पहला कि क्या सर टाइम competent authority ने प्रॉपर लिया टू अप्लाई हिज माइंड। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब क्या है, सिर्फ yes लिखने से, I'm satisfied लिखने से या no, सिर्फ okay लिखने से will not work. He has to state the brief reasons also. Further, 151 is actually an चेक ऑन द एसेसिंग ऑफिसर कि उसने जो अपनी जो पावर थी जुडिशियली यूज करी या नहीं करी। और फोर्थ पॉइंट, जो थर्ड या फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि सर जिसको पावर दी गई है, जिसको इन्होंने दिया गया है, तो वो पावर वो ही यूज करेगा, अप्रूवल आप उसी का लेंगे जिसका नाम लिखा हुआ, अदरवाइज विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव केओस। ये जो नितिन जी आपने हजारिया जो मुंबई हाईकोर्ट का इसका क्या साइटेशन है, मनीष साइटेशन लिखना भूल गया मैं, सब फुल जजमेंट है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नाम क्या पूरा नाम? हाँ जी आपने बताया ना कुछ, हजारिया पूरा नाम क्या है? ये ना सिविलाइजर हजारिया प्रेजेंटेड सर, ये जजमेंट लिखा हुआ सर सामने फुल जजमेंट कॉर्ड, तो शायद 2021 या 22 का जजमेंट है सर। अच्छा ठीक। सर नॉर्मली जब हम बात करते हैं एक ब्रिजेश जी, हम सबको दिक्कत कहाँ पे आती है जब आप बात करते हो
नॉर्मली क्या सर, इन्वेस्टिगेशन टीम या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट एक कहीं पे जाती है, सर्च वर्च करती है, और आज की डेट में तो जैसे मैं बोगस परचेज की हम बात करेंगे तो मैं दो जजमेंट करूंगा उसके सीधा बोगस परचेज पे आऊंगा। अप्रिशिएट करें, बहुत बड़ा झगड़ा क्या आता है सर इसके अंदर की लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद बोलो तो मेजर थिंग, और जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सर क्या वो स्टेट, पहली बात तो मैंने जैसे बताया आपको अगर वो स्टेटमेंट रिलाय अपॉन कर रहा है तो मुझे रीजन टू बिलीव के साथ स्टेटमेंट की कॉपी देगा, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देगा, और मेयरली वन कैन ऑलवेज से दैट कि भैया सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, लेट अस से इफ समबडी राइट्स अगेंस्ट समबडी कि भैया इन्होंने चोरी करी है, विल इट वर्क? आंसर इज नो, देयर हैज टू हैव सम कोरिलेटेड एविडेंस, एविडेंस भी होना चाहिए, हाइपोथेटिकल राइट, एविडेंस भी होना चाहिए। तो मेयरली स्टेटिंग 151 आप ये बात बोल नहीं सकते कि मेरा स्टेटमेंट में आप सिर्फ ये लिख सकते, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, तो सब बात की बातें हैं। अब ईओ को स्टेटमेंट मिल गई है, चाहे वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने दी है, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या कोई और डिपार्टमेंट, स्टेटमेंट आ गई है, क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्डली रीजन टू बिलीव लिखे और आपको स्टेटमेंट दे दे, विल इट वर्क या कुछ और करना पड़ेगा? तो उसके लिए जजमेंट नोट कर लें सर, दिस जजमेंट इज बहुत अच्छी जजमेंट है, और ये जजमेंट नोट कर लें सर 2022 की जजमेंट है, 134 taxman.com 256 दिल्ली हाई कोर्ट और एक्सॉन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, एक्सॉन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सामने लिखा हुआ था। अप्रिशिएट करें, दिस वाज आर्ग्यूड बाय मुकुल रोहतगी साहब, और ये जजमेंट इतनी अच्छी है अगर आपका शेयर कैपिटल का केस हो, चाहे आपका डीमोनेटाइजेशन का केस हो, चाहे आपका जब आप स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, ये तीनों में बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। अब मैं आज हमारा क्वेश्चन है इन रिलेशन टू स्टेटमेंट ओनली, सो व्हाट वाज सेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट इन द पैरा नंबर 18 ही सेड, और मैं सीधा आखिरी में लेके आ रहा हूं, आखिरी वाला पॉइंट देखिए ब्लू में क्या लिखा हुआ है, द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू टू डेमोंस्ट्रेट फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट द पर्सन मिस्टर प्रवीण अग्रवाल वाज एग्जामिन्ड बाय द एओ इन द प्रोसीडिंग कंसर्निंग द एसईसी, नथिंग वाज शोन टू अस व्हिच कुड से दैट द एओ कंडक्टेड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टू टेस्ट द वेरिसिटी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, व्हाट ही सेड, कि आपको स्टेटमेंट देने से पहले, लेट अस से मेरा ब्रजेश जी का केस लग गया हाइपोथेटिकली और मैं एसएससी ऑफिसर हूं, तो पहले ब्रजेश जी को तो स्टेटमेंट बाद में दूंगा, पहले मैं उसको अपने पास बुलाऊंगा कि भाई आज भी उस स्टेटमेंट में खड़ा है, नहीं खड़ा तू, रिट्रैक्शन तो नहीं कर लिया? मैं क्लियर हूं आपको सर, सर ब्रजेश जी को स्टेटमेंट देने की बारी तो बाद में आएगी, उसको रिलाय अपॉन करने की बारी तो बाद में आएगी, पहले रिलाय अपॉन करने के लिए पहले मुझे खुद बीजेन एओ, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, इट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सीबीआई, सीएडीआई, ईडी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पहले मैं पूछूंगा भाई आज भी स्टेटमेंट में खड़ा है, नहीं खड़ा, रिट्रैक्ट तो नहीं कर दिया तूने? अगर वो ऐसे केस के अंदर मैंने ये काम नहीं किया तो क्वेश्चन इज एग्जॉन सेज कि भैया आप स्टेटमेंट में रिलाय अपॉन ही नहीं कर सकते, तो ब्रजेश जी को स्टेटमेंट को देने का प्रश्न तो बाद में आता है, पहले मैं रिलाय अपॉन करूंगा नहीं करूंगा, उससे पहले मुझे उस स्टेटमेंट को चेक करना है कि आज भी वो व्यक्ति उस स्टेटमेंट में खड़ा है, यस और नो, और प्लीज नोट कर ले सर, बोगस परचेज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी सर डिपार्टमेंट को अगर ये काम नहीं करते तो, और 99.99% केसेस में ये काम नहीं हुआ हुआ, क्लियर सर? नाउ अब आखिरी करते हैं सर, उसके बाद सीधा हम बोगस परचेज वाले इशू पे डिस्कस कर लेंगे। So what happened, sir, आपने देखा होगा सर, मैंने बेनामी पे बहुत ज्यादा सेमिनार लिया और मैं डे इन डे आउट जब बेनामी आया अब प्लॉट पर मैं जब हम बेनामी का काम भी काफी कर रहे थे और हमेशा मैं डिपार्टमेंट को बोलता था कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि मान लो आपने कहीं पे सर्च करी जो आपका पसंदीदा डॉक्यूमेंट है वो तो मुझे दिखा रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहे, तो सुप्रीम को हमेशा ये डिपार्टमेंट बोलता था भैया ओनली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, मैं हमेशा बोलता था देयर कुड बी नो चेरी पिकिंग, और अप्रिशिएट करें व्हाई इट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, सर अगर किसी को बेनामी पढ़ना है सर, एक 73 पेज की जजमेंट आई है सर डिलकॉम की जजमेंट 23 अगस्त 2022 को 73 पेज जजमेंट है सर, उस जजमेंट को उठा लें और एक बार गूगल में या फिर यूट्यूब में टाइप कर लें डिकोडेड बेनामी लॉ डिकोडेड बाय सी नितिन कन्वर, सर 2-3 साल पहले मैंने जब बोला था सर एड वर्बिटम कॉपी है, जो मैंने उस टाइम पे बोला था दैट वॉज बीन टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हम शुरू से बोलते आ रहे थे कि सर ये जितनी भी बेनामी की प्रोसीडिंग है ऑल आर क्रिमिनल लॉ, देयर आर वेरियस पीपल हु स्टार्ट सेइंग दैट बेनामी इज बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया था कि भैया ना इसका आदि है ना अनंत है ना इसकी शुरुआत है, तब हम शुरू से बोलते थे कि सर इसकी शुरुआत भी है और इसका अंत भी है, देयर आर प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस, ऐसा नहीं हो सकता कि आज
2016 में आपने उसके दांत लगाए हैं, टीथ लगाए हैं बेनामी में, तो मान लीजिए 98 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कैसे लेके आएगा वो? देयर हैज टू बी डॉक्टर रीजनेबल, राइट ना? तो ये बात सारी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बात लिखी हुई है, और दे सेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरी समझाया दैट बेनामी इज अ क्रिमिनल लॉ, तो इसलिए आपको प्रोस्पेक्टिवली रीड करना है. सो दो आई एम नॉट गोइंग इन दैट जजमेंट, माई क्वेश्चन इज इसका नाम क्या है, नाम क्या जजमेंट का? डीलकॉम केस है और 73 पेज का जजमेंट है, 23 अगस्त 2022 को जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का. नाउ अब दो अभी डिपार्टमेंट, अभी हम जैसे बेनामी की बहुत सारे केसेस में अभी हम अथॉरिटी हम ट्रिब्यूनल में अपील हो रहे हैं, तो वहां पे हम जजमेंट का रेफरेंस दे रहे हैं जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है कि भैया अगर कोई ट्रांजेक्शन आपकी 25 अक्टूबर 2016 से पहले हुई है तो ऐसे केस के अंदर अप्रिशिएट करें सुप्रीम कोर्ट सेड कि भैया हम बेनामी लॉ नहीं लग पाएगा बिकॉज देयर वाज सम इशू इन द डेफिनेशन. दो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ढंग से समझाया था कि दैट यू कांट रीड सिविल लॉ इन द क्रिमिनल लॉ, और उसको हम आज कवर नहीं कर रहे, पर मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ. दो डिपार्टमेंट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू रिव्यू, तो आई ट्रिब्यूनल बोल रहा है भाई जब तू जाएगा तब की तब देख लेंगे, अभी तो जो डिसीजन आ रहे हैं वो डिसीजन आप लो भैया सारे के सारे, तो प्लीज अप्रिशिएट करें. हैविंग सेड दैट, एक बात और बता दूं बिफोर आई गो टू द जजमेंट, इफ यू वांट टू एक्चुअली डू प्रैक्टिस इन बेनामी और पीएमएलए, अप्रिशिएट करें, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की पकड़ पूरी होनी चाहिए, इंडियन लिमिटेशन एक्ट की पकड़ पूरी होनी चाहिए. व्हाई इट इज सो सर, आपको पता होना चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या फर्क है, मैं क्लियर हूं सर आपको? तो अगर आपको इस तरह की पकड़ है तो आप बेनामी और पीएमएलए की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स पर रिलाय अपन करके यू कांट डू दैट वन थिंग. नाउ हैविंग सेड दैट लेट अस कम टू दिस इशू फर्स्ट. जैसे मैंने आपको बताया हम शुरू से आर्ग्यू कर रहे थे इन रिलेशन टू पीएमएलए एंड बेनामी दैट सर आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते, स्पेशली जहां पे सर्च हुई है, अगर डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए हैं, आपकी जो पसंद में आया वो तो डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया, बाकी डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखा नहीं रहे, पॉसिबिलिटी होती वो डॉक्यूमेंट मेरे फेवर में हो. अब क्या हुआ सर, डेट आई 18 फरवरी 2022, नोट कर ले सर 18 फरवरी 2022, जजमेंट का नाम आया टी टिकैनो 18 फरवरी 2022, ये टी टिकैनो का जजमेंट आया सर, ये सामने लिखा हो सर, सामने टी टिकैनो, राइट सर. अब दो दिस जजमेंट इज इशू सेबी, प्लीज अप्रिशिएट करें सर, यहाँ पे प्रिंसिपल लेट डाउन किया है और अप्रिशिएट करें. नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं यार, कोई इनकम टैक्स में कोई हो, बेनामी कोई हो, या फिर कोई पीएमएलए में, तो बता अप्रिशिएट करें सर. सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब लॉ लेट डाउन करता है वो एक प्रिंसिपल लेट डाउन करता है, तो सब लॉ पे लगेगा. यहाँ पे आप देखोगे जहां पे डिपार्टमेंट ने एक फेरा का केस कोर्ट किया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिस्ट्रिब्यूश किया, बताऊंगा मैं कहां पे फर्क है, प्लीज नोट कीजिएगा. व्हाट आई वांट टू से, दिस वाज प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये सब लॉज पे इक्वली लगेगा. अब समझिए सर, और फिर बताऊंगा सर एक्ट हमारे इनकम टैक्स पे कैसे लगेगा. समझिए सर, व्हाट वाज आर्ग्यूड बाय वेरियस डिपार्टमेंट सेड कि सर पहले तो ये हुआ क्या सर, यहाँ पे एसएससी बोल रहा था कि सर मुझे सारे डॉक्यूमेंट दो, रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हो. सो सर डिपार्टमेंट आर्ग्यूड कि सर पहले तो आप इनको ये बताओ, इनको ये पहले हमें ये बताएं इस डॉक्यूमेंट से आउटकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. दे सेड आउटकम ऑफ द सर रिजल्ट पे क्या पड़ेगा कोर्ट के. तो सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया, सुप्रीम कोर्ट सेड कि भैया देयर आर 3 की पर्पसेस दैट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सर्व्स. क्या बोलता है, पहला रिलायबिलिटी, फेयर ट्रायल और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. दे सेड पैरा नंबर 23 में उन्होंने बोला द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट मेरली इंडिविजुअलिस्टिक बट इज टू प्रिवेंट एरर्स इन द वर्डिक्ट which is also towards fulfilling larger institutional purpose of fair trial and transparency. Since the purpose of disclosure of information target both the outcome, which is reliability, and the process, the fair trial and transparency, it would be insufficient if only the material relied upon is disclosed. Such a disclosure only holds nexus to the outcome, not to the process. Therefore, as a default rule, all relevant material must be disclosed. उन्होंने बोला भैया जो मटेरियल आपके पास, मटेरियल आपके पास है, चाहे रिलाइड अपॉन है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे. अब यहां पे सर डिपार्टमेंट ने एक फर्दर आर्गुमेंट दिया, दे सेड सर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सर नटवर सिंह की, यहां पे नटवर सिंह की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर कि ओनली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे उन्होंने बोला नटवर सिंह वाले केस में, जो फेरा वाले केस के अंदर था, क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या नटवर सिंह जी के खिलाफ या फिर वो एक्यूज के खिलाफ क्या इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने बोला जब क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ इंक्वायरी का है तो ऐसे केस में ओनली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, पर जहां पे एडजुडिकेशन हो रहा है जो इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं सर जोड़ता हूं, पहले पुराने रिजाइन के साथ फिर अब ओल्ड रिजाइन के साथ, दोनों नए पुराने दोनों रिजाइन के इनकम टैक्स में जोड़ता हूं। अप्रिशिएट करें नए रिजाइन के अंदर क्या हो रहा सर, क्या पहले ओल्ड रिजाइन पर समझ लें। पहले सर पहले होता था कि सर आप 148 का नोटिस आता था, आप रिटर्न भरते थे और रीजन टू बिलीव मांगते थे, आप रीजन टू बिलीव वो आपको देता था, आप रीजन टू बिलीव के खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करते थे और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद वो डिस्पोजल करता था, राइट। उसके बाद वो 4 वीक रुकता था, अगर आप रेट पे जाना रेट पे चले जाएं। और पॉसिबिलिटी है सर ये भी मान के चले डिस्पोजल में उसको लगता था ब्रिजेश जी ने जो आर्गुमेंट दिया एकदम करेक्ट है, भाई रीजन टू बिलीव बनता ही नहीं है, तो वो 152(2) के अंदर, 152(2) के अंदर सर नोटिस को ड्रॉप भी कर सकता था, ये पावर थी विद ईओ जो नॉर्मली यूज नहीं करते थे। तो अप्रिशिएट करें अगर मैं अर्थ वाले रिजाइन की बात कर रहा हूं तो जब तक डिस्पोजल नहीं हो रहा इट इज द पार्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, पर जैसे ही आपका डिस्पोजल हो गया उसने बोला नो सॉरी आई विल सर कैरी फॉरवर्ड द असेसमेंट प्रोसीडिंग, अब एडजुडिकेशन हो रहा है, तो उसका मतलब सर जब तक डिस्पोजल है तब तक रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट जो उनके पास है पर उन्होंने हमें नहीं दिया वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब अगर मैं नई रिजाइन की बात करूं तो जो 148A का जो प्रोसीजर है इट इज ओनली इंक्वायरी ओनली रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, पर आपने 148D का ऑर्डर पास किया और 148 का नोटिस दे दिया तो अप्रिशिएट करें नाउ दिस एडजुडिकेशन, आपके हाथ में टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, इनकम कितनी टैक्स होनी है दैट वॉज एडजुडिकेटेड, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, एडजुडिकेशन, इस केस के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे चाहे वो रिलाइड अपॉन है या रिलाइड अपॉन नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो ये जजमेंट आप यूज करेंगे, प्लीज नोट कर लें इस जजमेंट को यूज करके 18 फरवरी 2022 के बाद हमने करीबन 3 केसेस के अंदर बेनामी के अंदर वो इंफॉर्मेशन मांगी जो डिपार्टमेंट हमें मना कर रहा था देने से, और 800-900 पेज मुझे नए मिले हैं जो डिपार्टमेंट ने आज तक हमें नहीं दिए थे। फर्दर इस जजमेंट को अगर आप आगे पढ़े इन्होंने बात किया है जो आपकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है इन्वेस्टिगेशन मटेरियल होता है, उन्होंने कहा उसकी कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी, उन्होंने बोला बिकॉज यू आर रिलाइंग अपॉन दो जजमेंट्स, अगर आपको लगता है वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे मान लीजिए इंडिया की सोवरेनिटी में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में दिक्कत कर देगी, बोले वो खत्म कर दो हटा दो पर बाकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो व्हाट आई वांट टू से अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो तो आपको रीजन देना पड़ेगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? ठीक, राइट सर। नाउ एक क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट, मेरा क्वेश्चन ये, मैंने बताया सर डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल के बाद वो 4 दिन होता है मेरा आपसे, वैसे बता रहा हूं आपको, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब ऑफिस बाद एडजुडिकेशन शुरू होना है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पहले वो 142(1) देगा या 143(2) देगा। फिर से बोल रहा हूं सर, आपके पास नोटिस आया, आपने रिटर्न भरी, मैं पुराने रिजाइम की बात कर रहा हूं, पुराने रिजाइम के अंदर उसने रिटर्न भरी, या फिर मैं 148 का नोटिस की बात करूं तो नए रिजाइम की बात कर लो आप, आपने 148 में रिटर्न भर दी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है पहले 142(1) आएगा या 143(2) आएगा, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। हाँ जी भैया, क्या आपके पास सर 143(2) का नोटिस पहले आएगा कि 142(1) का नोटिस आएगा? नो आंसर्स सर, समझ लीजिए सर ये बात, मैं आपको फिर समझा देता हूँ सर, प्लीज नोट करें, बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं सर 142(1) आएगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं सर, अप्रिशिएट करें, जब 142(1) की बात करते हैं तो प्लीज 142(1) नहीं आएगा, पहले 143(2) आएगा। अब 143(2) क्यों आएगा समझने सर, अप्रिशिएट करें, जब आप 148 पे जाते हैं तो 148 का जो जब फर्स्ट पैरा है उसका सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है, जो आपने 148 पे रिटर्न जो भरी है ना सर, 148 रिटर्न भरी है वो डीम की जाएगी 143 की रिटर्न, और जितने भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है सब 100 प्रोसीडिंग है वो उस पे लगेंगे। अब आप देखिए सर, लेट अस कम टू 143(2) फर्स्ट, 143(2) क्या बोलता है कि अगर आपने 139 में रिटर्न भरी हो, अब 148 रिटर्न क्या बन गई 139 वाली, या 142(1) के नोटिस के परसों से रिटर्न भरी हो, तो पहले जो एसएससी है अपनी रिटर्न को एविडेंस करेगा कि भाई मैंने रिटर्न में ये भरा है, ये मैंने एग्जम्पशन क्लेम किया, लेट अस से मैंने 4 एग्जम्पशन ली,
लेट अस से पुराने रिजाइम की बात कर रहा हूँ, लेट अस से इट टॉक्स अबाउट कि मान लीजिए मैंने बोला कि यार मेरा शेयर कैपिटल गेन था वो एग्जेम्प्टेड था, हाइपोथेटिकली मैं पुराने रिजाइम की 4-5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, एक डिविडेंड था आया था मैंने बोला डीटी पेड है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है 1038, मैं फिर पुराने रिजाइम की बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी मैंने बेची मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड बेची मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल लैंड है तो ये आपकी कैपिटल सेट के डेफिनेशन में नहीं आता, ऐसी मैंने 4-5-6 एग्जेम्पशन और दी हुई है। अब क्योंकि मैंने रिटर्न में एग्जेम्पशन क्लेम करी है पहले 143(2) में मेरी ड्यूटी है, रिटर्न मैंने भरी है, मैं रिटर्न को एविडेंस करूंगा। रिटर्न को एविडेंस कैसे करूंगा, जितनी भी मैंने एग्जेम्पशन ली है सबको मैं बताऊंगा सर उसके ये डॉक्यूमेंट्स है, लेटर से ब्रिजेश जी इज एओ, मैंने 7 एग्जेम्पशन दी थी, 7 के 7 पेपर दे दिए, ब्रिजेश जी ने बोला यार 2-2 तेरी बात मान गया, 5 मेरे को समझ नहीं आ रही। अब 142A का नोटिस देंगे कि भैया इस इन 5 के कंटेक्स में ये पेपर दे दो, तो प्लीज नोट करें 142A में सर वो एक्सप्रेशन मांगी जाती है जहां पे आप 143(2) में सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो पहले 143(2) उसके बाद 142(1). और प्रॉब्लम कहां पे, जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं आज की डेट में हो क्या रहा है सर, 143(2) के साथ 142(1) आ रहा है, दैट इज बैड इन लॉ। मैं क्लियर हूं आपको सर, पहले 143(2) आएगा उसके पीरियड के बाद कुछ पीरियड बाद 142(1) आएगा। मान लो 143(2) आया, कई लोग बोलते हैं यार 143(2) बाद हमने क्या करना था, सर आपको अपनी रिटर्न को एविडेंस करना था, अगर आपने कोई एग्जेम्पशन भरी है कोई एग्जेम्पशन ली है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको पहले ही जमा कराने हैं, यू शुड नॉट वेट फॉर 142(1). क्लियर हूं आपको सर। नाउ लेट अस नाउ कम टू बोगस परचेज। नाउ सर एक नोट कर ले सर, बोगस परचेज में मेनली कहां पे दिक्कत है सर, हुआ क्या सर बोगस परचेज में मेनली, अब जो केस आ रहे हैं जो साल डेढ़ साल लास्ट ईयर से ज्यादा मारामारी शुरू हुई है और देयर वाज एन नंबर ऑफ केसेस इन यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र पानीपत और बहुत ज्यादा पंजाब में बहुत दिक्कत है, जहां पे मैंने ट्रैवल किया हिमाचल बहुत ट्रैवल बहुत दिक्कत है, व्हाट दिल्ली पे तो है ही ऑफिस बात है, व्हाट इज सो अप्रिशिएट करें सर। पहले क्या होता था CBIC मतलब जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो डिवीजन था उससे इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट टैक्स वालों के पास नहीं आती थी, देयर वाज नो मैकेनिज्म, जैसे लेट अस से ब्रिजेश जी मान लीजिए CBIC के चेयरमैन है, हाइपोथेटिकली मोहन जी मान लीजिए CVD के चेयरमैन है, तो देयर वाज नो इंटरेक्शन, देयर वाज नो स्कीम कि जिससे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजें ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजें। अब हुआ क्या कि GST डिपार्टमेंट ने अब थोड़ा सा बहुत एक्टिव है आजकल, साल डेढ़ साल दो साल से देखेंगे बहुत ज्यादा पंजाब में तो बहुत सर्च वगैरह हो रही है, तो प्लीज अप्रिशिएट करें। लेट अस से मान लीजिए सामने वाले ने टैक्स जमा नहीं किया राइट, और टैक्स जमा नहीं किया तो ऑफिस बात उसका सर्च हुई, अब पॉसिबिलिटी है देयर कुड बी अ रीजन दैट उसने बिजनेस बंद कर दिया, उसको नुकसान हो गया हो, या फिर वो जेन्युइनली मान लीजिए हाइपोथेटिकली वो आइटम 28% की थी, उसने टैक्स ही 5% कलेक्ट किया, बाद में पता लगा तो 28% की आइटम थी, गेम ही खत्म हो गई। या फिर कई जगह केस में क्या है सर कि वो बोगस बिलिंग का काम हो रहा है, आर यू गेटिंग पॉइंट, बोगस परचेज हो रहा है, मतलब वो 5-5, 6-6, 10-10, 25-25 फॉर्म में बना रखी है और उससे मान लीजिए आपकी पार्टी ने माल परचेज कर लिया, तो ऑफिस बात है आज की डेट में जब GST को बंद किया जा रहा है तो फ्रॉम वेरी डेट फर्स्ट डेट से किया जा रहा है राइट, सुगो मोटो जो कर रहे हैं वो फ्रॉम फर्स्ट डेट से कर रहे हैं, उससे क्या है सबका इनपुट बंद हो गया। अब जीएसटी डिपार्टमेंट उनसे टैक्स की रिकवरी तो करेगा करेगा, उनके पास जा रहा है प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको बोल रहा है कि भैया पैसे जमा कराओ, तो कई लोग अंडर प्रोटेस्ट भी पैसे जमा करा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर लटने की बात कर रहे हैं एज अ केस में भी, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अब इन्होंने CBDT के साथ भी एक्सचेंज कर ली है। अब जहां जहां इन्होंने एक्सचेंज करी है वापस बात है, लेट अस से आपने कोई परचेज की है मटेरियल परचेज किया हुआ है और वो जो पार्टीज हैं आज की डेट में उनके GST नंबर बंद है, मैंने बताया सर GST नंबर बंद होने के टैक्स ना पे करने के सब 25 कारण हो सकते हैं, जिसमें 15 कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्युइन हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, नुकसान हो गया, कोविड टाइम था, भगवान ना करे कोई दिक्कत आ गई, अब आर्गेटिंग पॉइंट, तो ऐसे 10-12, 12-15 ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं राइट। और मान लीजिए मैंने जिससे परचेज करी है पीछे वाला बोगस निकल गया, मैं सही था तो मेरा इनपुट रेट नमस्ते हो गया, तो मैंने जो ब्रिजेश जी को माल बेचा उनको दिक्कत आ गई, आर्गेटिंग पॉइंट, देयर कुड बी सम जेन्युइन रीजन आल्सो, देयर कुड बी इनजेन्युइन रीजन आल्सो। अब नाउ सारे केस 143(2) में या फिर 148 में अगर ज्यादा पुराने तो 148 खुल रहे हैं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, और डिपार्टमेंट में डाटा बहुत फास्ट है, डाटा की चर्निंग हो रही है, हाथ का नोटिस दे रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें सर। दो तीन तरह के केस आपके पास आएंगे, पहला एक केस तो ऐसा है कि जहां पे बकायदा GST डिपार्टमेंट ने कहीं रेड करी और वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट ले ली, स्टेटमेंट लेने के बाद वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, एक केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए सर डिपार्टमेंट ने बस सुबह मोटो चेक किया कि इसका टैक्स गलत है, उसने बंद कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन उठा के पास ऑन कर दी, देयर वाज नो स्टेटमेंट एज सच,
143 दो में वो नोटिस हो गए, खत्म बात हो गई। और जो स्टेट पैनल 148 में हुए, अब इसमें भी जो पार्टीज हैं वो दो तरह की से होंगी पॉसिबिलिटी है। एक में तो आपने परचेज करी, बोगस परचेज का केस है क्योंकि परचेज करी है और प्रॉपर सेल करी हुई है, सेल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करके की हुई है और मतलब सेल में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और एक केस में ऐसा है जहां पे आपकी ना तो आप बोगस परचेज को तो आइडेंटिफाई मतलब आप आइडेंटिफाई करा ही नहीं पा रहे, सेल को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जो डिमोनेटाइजेशन में दिक्कत थी आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन में उल्टा केस था, सेल आइडेंटिफाई नहीं होती थी, परचेज को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करते थे। तो अप्रिशिएट करें अगर आपको इस केस से बाहर आना है, क्योंकि यू हैव टू बिकम अ डिफेंस एडवोकेट ऑल्सो, राइट? तो ऐसे केस में प्लीज नोट करें, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, सर हमेशा नोटिस करें, पहले आपको सर ना केवल इसमें 4-5-6 काम ऐसे भी करने पड़ेंगे जो शायद डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, वो क्या है सर? पहला सर, स्टॉक रजिस्टर आपको सबमिट कराना है, स्टॉक रजिस्टर सबमिट कराना है। और अप्रिशिएट करें, आप ये चेक करें कि क्या आपने टार के टाइम पे भी स्टॉक रजिस्टर जमा किया था या नहीं किया था। अगर टार के टाइम पे अगर जमा किया था तो पहले चेक करें क्या इन दोनों में कोई वेरिएशन तो नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं है तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज यू कैन से इट इज नॉट योर आफ्टर थॉट। मैं तीनों आपको सर, पहला। दूसरा सर, जितने भी पार्टी वाइज परचेज बिल्स की कॉपी लें, परचेज बिल्स की कॉपी लें और पार्टी वाइज सर मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक को प्रूव करें। और मूवमेंट कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस से आपका गुड्स ऐसे हैं जहां पे वेइंग की पर्ची होती है, राइट? लॉरी रिसिप्ट, राइट? जहां पे आप क्या करते हो, पहले आप खाली ट्रक का वे कराते हो, फिर माल डालने के बाद डालते हो, तो जस्ट सो दैट यू कम टू नो कि भैया मेरे पास एक्चुअली क्वांटिटी कितना आ रही है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल टू मटेरियल, राइट? हर काम हर टाइम पे वेइंग रिसिप्ट नहीं होगी, राइट? पॉसिबिलिटी अगर आपके केस में है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास, अगर ऐसा कुछ होता है तो, ट्रेड में अगर ऐसा होता है तो। दूसरी बात सर, ईवे बिल, क्योंकि मैंने बताया 1432 वाले केस है तो ईवे बिल होना चाहिए। ऑफिस बात है, लेट अस से द गुड्स हैज मूव्ड फ्रॉम जलंधर टू से पानीपत या वाइस वर्सा या दिल्ली टू पानीपत, तो ईवे बिल तो होगा ही होगा, ईवे बिल की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो दूसरी बात, इन बिटवीन रस्ते में अगर टोल की पर्चियां, टोल की पर्चियों की कॉपियां आपके पास, सो दैट मूवमेंट प्रूव हो पाया। मैं क्यों आपको सर, इट हैज टू प्रूव दैट मूवमेंट हैज बीन डन, राइट? उसके बाद आप देखें क्या आपने इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर है या नहीं। इनवर्ड रजिस्टर मींस कि नॉट, मैं स्टॉक रजिस्टर की बात नहीं कर रहा, इनवर्ड रजिस्टर मींस कि जब आपका माल आपके गोडाउन में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो किससे माल आया, क्या उसका जीएसटी नंबर है, क्या क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, और आउटवर्ड में जिसके वो माल बेच रहे हैं, सो दैट सर उससे आपका नेक्सस परचेज टू सेल्स भी मैच हो पाएगा। मैं मान के चल रहा हूं मान ली ट्रेडिंग है तो, राइट? अगर मैन्युफैक्चरिंग को अलग से डिस्कस कर लेंगे, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं नॉर्मली, किसी ट्रेडिंग के, राइट? मैन्युफैक्चरिंग को भी डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करें आप। अब ऐसे केस में आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर है या नहीं, उसके बाद आप चेक करें कि भैया आपको उस टाइम पे इनपुट रेट तो आ गया होगा आपके 2A या 3B में जावे भी आता, क्योंकि मैं जीएसटी प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं बता रहा हूं आपको 2A 3B में जावे भी आपको क्रेडिट आ रहा है, वो क्रेडिट आ गया, उसी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो अप्रिशिएट करें, लेट अस से ब्रिजेश जी मुझसे माल परचेज कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर मैं एक लेमैन सोचूं, लेमैन क्या बोलेगा नितिन भाई कि नितिन ने माल बेचा, इन्होंने माल पसंद किया, मैंने वेइंग की पर्ची दे दी, ईवे बिल की कॉपी दे दी, इनको टोल की पर्ची दे दी, माल इनके यहां तक पहुंचा दिया, कोई बिल्टी है, अगर ट्रक मेरा नहीं है तो अगर मैंने बाहर से ट्रक किया तो बिल्टी की कॉपी दे दी, ठीक है सर, बिल्टी कॉपी दे दी। और पॉसिबिलिटी है अगर ट्रक मेरा है तो फिर बात है मैं ट्रक की आरसी कॉपी दे दूंगा, ट्रक अगर इनका है तो ये अपनी आरसी कॉपी लगा देंगे, राइट? एज अ केस में भी अब इनके पास मूवमेंट ऑफ, आपने मूवमेंट प्रूव कर दी, राइट? मूवमेंट के बाद आपने इनको आउटपुट बना दिया। अब क्वेश्चन इज कि ऐसे केस में हम लोग जीएसटी का क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, तो इन्होंने मुझसे परचेज करी है, पूरी पेमेंट करी है इन्होंने, तो इनको जीएसटी का क्रेडिट मिल गया, इनके उसमें भी आ गया, अब मुझे पेमेंट चाहिए। और फिर बात है मैंने माल बेचा है, इन्होंने अकाउंट पे चेक या आरटीएस से मेरे को पेमेंट भी कर दी, तो अप्रिशिएट करिए अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे कि दैट पेमेंट वॉज मेड फ्रॉम अकाउंट पे चेक। अगर हो सके तो आप सर्टिफिकेट ले लें बैंक से कि भैया ये पेमेंट मैंने उसी अकाउंट में गई है, तो अप्रिशिएट करें। ये डॉक्यूमेंट देने से और साथ के साथ अब एक चीज डिपार्टमेंट नहीं मांगता पर आपको देनी है, वो क्या है? सेल्स। आप बोलो सर ये जो मैंने माल परचेज किया है ना, इसके अगेंस्ट मैंने सेल्स करी हुई है। व्हाई इट इज सो कि क्या बिना परचेज के सेल हो सकती है क्या? आपको सर, तो अगर सेल्स में और 99% केसेस में क्या हो रहा है बोगस परचेज के अंदर, दे आर नॉट क्वेश्चन मार्किंग एनीथिंग ऑन सेल्स एज टू द प्राइस एज टू द पार्टी। तो आप बकायदा सेल का रजिस्टर बना दें, सेल का रजिस्टर की कॉपी दे दें, ये एक्सेल कॉपी बना दें कि इंडियन पार्टी को इतना माल बेचा है, और स्टॉक रजिस्टर में लिखा ही होगा कि भैया
ये माल आया ये माल गया, अब आप देखिए स्टॉक रजिस्टर से आपने नेक्सस ही प्रूव कर दिया। फर्दर व्हाट यू कैन डू इज आप एक काम करें कि भैया मान लीजिए आपने परचेज किया होगा, परचेज के दो हिस्से कर ले, लेट अस से आपकी पार्टी फीफो बेसिस पे राइट, फीफो बेसिस पे है, व्हाट यू कैन डू आप क्या करें कि सर कुछ स्टॉक तो आपका परचेज जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक पे चला गया होगा, तो उस परचेज को आप क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक चार्ट बनाए। अब आप सोचे पहले आप इसी की बात करते हैं, लेट अस से ये परचेज बोगस है तो क्लोजिंग स्टॉक भी बोगस हो गया ना सर, इधर से परचेज बढ़ गई इधर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया सर, नेट इंपैक्ट जीरो, नेट इंपैक्ट जीरो हो गया सर। अब आ जाओ सर जो बैलेंस अमाउंट परचेज का सेल के साथ टेक हो गया, ठीक है जी, क्वेश्चन इज सेल आपने जस्टिफाई कर दी, सेल आपने जस्टिफाई कर दी विद गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ जीएसटी नंबर एंड पार्टी वाइज, और सेल्स पे उसने कोई क्वेश्चन नहीं मार्क नहीं मारा, और आप बोल रहे हो कि सर अगर ये परचेज नहीं होती तो नेगेटिव स्टॉक हो जाता, नेगेटिव स्टॉक हो जाता, तो माय क्वेश्चन इज तो ऐसे केस के अंदर, हाँ मैं बता रहा हूँ दिनेश भैया एक मिनट आ रहा हूँ आपके केस पे आ रहा हूँ सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग उसकी बात ही कर रहा हूँ, तो माय क्वेश्चन इज क्या ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा क्या सर वो एडिशन हो पाएगी, टू मी आंसर इज नो। अब दिनेश भैया ने क्वेश्चन पूछा रिद्धि भाई जब जीएसटी रिटर्न उसने उसका सस्पेंड कर दिया और बैकडेट से कर दिया, मेरा क्वेश्चन ये है सस्पेंड तो उसने अब किया है ना सर, पर जिस टाइम पे जब मैं परचेज कर रहा था तब तो एक्टिव था, मेरे को क्या मतलब है कि वो उसको जीएसटी इनपुट से सेटअप कर रहा है कि वो पेमेंट करके कर रहा है, मेरे पास फॉर्म में जो 3B है या फिर 2 है, 3B होता है या 2A होता है जो परचेज वाला जो सेल होता है, मैं परचेज करूंगा आपसे तो मेरे किस में आएगा 3B में आएगा, 2A 2B सुमित जी के साथ ही बैठे हैं जीएसटी एक्सपर्ट, मैंने कहा एक बार सुमित से मिल लूं, तो मेरे 2A 2B में आएगा, तो माय क्वेश्चन इज मेरे 2A 2B में जब आ गया, प्लीज अप्रिशिएट 2A 2B में आ गया तो मुझे इससे क्या मतलब है कि उसने जो इनपुट देगा जो वो टैक्स पे करेगा वो टैक्स पे कर रहा है, एक्चुअल टैक्स पे कर रहा है, ये इनपुट क्रेडिट ले रहा है, मेरे को तो टारगेट मेरे को क्रेडिट लेने का है ना सर, मेरे को क्रेडिट मिल रहा है, उस टाइम पे क्रेडिट था मेरे पास, क्रेडिट मिल गया था, अब आज की डेट में एक साल बाद सवा साल बाद अगर डिपार्टमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया बैकडेट से तो क्या ऐसे केस में मुझे दिक्कत आती है, टू द आंसर इज नो। अप्रिशिएट करें जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन मैंने प्रूव कर दिया फ्रॉम माय परचेज फ्रॉम माय स्टॉक रजिस्टर, और स्टॉक रजिस्टर को मैं 3-4 तरीके से बनाने के लिए बोल दिया आपको, पार्टी वाइज बनाएं और स्टॉक से मैच करें, सेल से मैच करें, इनवर्ट आउटवर्ट रजिस्टर बना लें, आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स बना दिया, पेमेंट आपने प्रूव कर दी, बात खत्म। अप्रिशिएट करें डोंट कंपेयर दिस ट्रांजेक्शन विद शेयर कैपिटल एंड लोन, लेट अस से मैंने ब्रजेश जी को लोन दिया हुआ है, इन्होंने लोन की रिपेमेंट नहीं करी अभी तक, सर ऑफिस बात है इनको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, पर मान लीजिए ब्रजेश जी मुझसे माल परचेज करते हैं, इन्होंने उस डेट में आज से 2021 माल परचेज किया, 2021 माल परचेज किया, अब 2021 के बाद मेरी इनसे नहीं बन पाई या फिर मैंने काम छोड़ दिया, सर क्या आज ब्रजेश जी ड्यूटी बाउंड है कि एक बार जिससे माल परचेज कर लेंगे वो सबका ध्यान रखेंगे? आपका ये कहना चाहते हो अगर टाटा या रिलायंस जिसके पास अगर 50,000 वेंडर हैं तो हर वेंडर का ध्यान रखेगा तो आज जिंदा है नहीं है? मैं कह रहा हूं आपको सर, सर ब्रजेश जी अगर मुझसे माल परचेज कर रहे हैं, अगर उनको मेरा माल की क्वालिटी ठीक नहीं निकली मान लीजिए, या फिर आज जो मैं रेट दे रहा हूं वो मार्केट से महंगा है, क्रेडिट पीरियड इनको मार्केट में 3 महीने मिल रहा है, मैं महीना दे रहा हूं या एडवांस मांग रहा हूं, या मैं पूरी क्वांटिटी नहीं दे पा रहा हूं, या फिर ये बोल रहे हैं नितिन मेरे को इस फैक्ट्री चाहिए, मैं बोलता हूं भाई साहब मेरे यहां से उठाओ आप, तो आप बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे मेरी आज डीलिंग नहीं हो रही, और ऑफिस बात है जिनसे इनकी डीलिंग हो रही है उनकी पूर्ति पूरी हो रही है तो उनको क्या मतलब है नितिन कन्वर आज काम कर रहा है नहीं कर रहा? मैं क्लियर हूं आपको सर, वो डिपार्टमेंट इज सेइंग 133(6) किया पर उसने रिप्लाई बैक नहीं किया, मेरा क्वेश्चन सबसे पहला तो ये है आपने जब 133(6) कर दिया और उसको नोटिस सर्व हो गया तो पहला आर्गुमेंट तो ये हो गया तो इसका मतलब पार्टी जिंदा है, जीएसटी पहली बात देखिए जीएसटी नंबर आपने दिया डिपार्टमेंट ने, बैंक अकाउंट उसने खोला ठीक है जी, और वो आपने नोटिस सर्व भी करा दिया, अब वो रिप्लाई कर नहीं रहा तो मेरी गलती थोड़ा है? मैं कह रहा हूं डोंट कंपेयर इट विद फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड लोन अकाउंट, मैं कह रहा हूं राइट। दूसरी बात तो जो मैं आपको मेजरली बता रहा हूं आप ऐसे केस में जब 133(6) हो रहा है वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो अप्रिशिएट करें जो एटलीस्ट आपके हाथ में जो कागज है, मैंने बताया आपके परचेज के बिल, मूवमेंट रजिस्टर जो आपको मूवमेंट के जितने प्रूफ है वो, पेमेंट डिटेल, स्टॉक रजिस्टर और जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो कम से कम आप अपने यहां डाल दें। अगर 133(6) में मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मान लो SSC वो व्यक्ति नहीं सप्लायर नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में ब्रजेश जी क्या करेंगे? बोलेंगे भाई साहब देखो ये बैंक अकाउंट है, मैंने आपको बताया मैं बैंक से सर्टिफिकेट भी लेके दे रहा हूं आपको, ये सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सो एंड सो बैंक है, ये वाली ब्रांच है, ये अकाउंट नंबर है। अब फिर पता है नितिन कन्वर के नाम पे होगा, उसकी फर्म के नाम पे होगा, तो जब मैंने बैंक अकाउंट खोला होगा तो KYC हैज टू बी देयर, अप्रिशिएट कीजिएगा। तो मैं बोलूंगा सर आप एक काम करो बैंक को 131 लिखो, GST डिपार्टमेंट 131 डालो,
इनसे पूछो कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट प्लीज अप्रिशिएट सर, आपको 131 कराना और आपके कहने पर 131 नहीं किया, सो डिपार्टमेंट की गलती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैक ऑफ इंक्वायरी एंड इनसफिशिएंट इंक्वायरी, दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। अगर 133 छह भी नहीं हुआ तो गेम खत्म, लैक ऑफ इंक्वायरी है। पर जहां पे लैक आपने 133 छह कर दिया, उसके बाद 131 नहीं कर रहा, आप उससे बोले सर आपको 144 बी में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन यूनिट के बाद पावर दी हुई है। व्हाई डू यू राइट टू वेरिफिकेशन यूनिट टू एनएफएसी? आप उनको बोलो ना लोकल ऑफिस वाला बंदा भेजे वहां पर, लेट अस से यू हैव परचेज माल फ्रॉम मान लीजिए मध्य प्रदेश से भेजा, खरीदा आपने यूपी से खरीदा है, तो आप बोलो सर वहां पे लोकल ऑफिस को बोलो तो वेरीफाई करके ला के देंगे आपको। और उसके बावजूद भी अगर वहां पे नहीं मिला तो मैंने बोला सर मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि मुझे उसके वेयरबॉट्स पता होना चाहिए, बिकॉज दिस नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड लोन। तो मैं क्लियर कर रहा हूं सर आपको, प्लीज नोट कर लें सर, पहले आपको प्राइमरी ओनर्स अपना प्रूव करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी शिफ्टेड। और प्राइमरी ओनर्स क्या है? जेन्युइननेस के लिए आपको ये सारे रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग स्टॉक रजिस्टर, पेमेंट डिटेल, द पेमेंट वाज मेड बाय अकाउंट पे चेक और आरटीएस। आपने परचेज के बिल्स हो गए, स्टॉक रजिस्टर डाल दिया आपने, मूवमेंट ऑफ गुड्स दिखा दिया आपने, आपने ये भी बता दिया सर ये गुड्स क्या है, ये सेल भी हुए हैं मेरे। अगर आगे मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रूव इट कि सर मेरी यील्ड ज्यादा है, अप्रिशिएट करें मेरी यील्ड, रादर मेरी यील्ड मार्केट के बराबर ही पड़ती है या फिर यील्ड उससे ज्यादा है, वेस्ट से ज्यादा नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट? सर देखिए आप बोगस परचेज का टारगेट क्या है, हर बंदे का बोगस परचेज का अगर टारगेट है, डिपार्टमेंट यही बोलता है ना कि आपका टारगेट रिड्यूस द प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन है सेल पे तो क्वेश्चन मार्क मारा नहीं उन्होंने ना एज टू प्राइस ना तो पार्टी के ऊपर। क्वेश्चन कुड बी परचेज के टाइम पे आपने ज्यादा प्राइस पर परचेज कर लिया होगा, तो या तो डिपार्टमेंट प्रूव करे कि भैया आपको 100 रुपए किलो नहीं लेना चाहिए था, आपको तो 90 रुपए किलो लेना चाहिए था। आर यू गेटिंग पॉइंट? अगर वो भी ठीक है, आपका पिछले सालों से जीपी सर पॉजिटिव होता जा रहा है, उसके आसपास ही है सर, प्लीज प्लीज माइंडेड सर, कोई एडिशन नहीं हो पाएगी, दो देर वॉज वेरियस केसेस। नितिन जी सवा छह होने वाले हैं, एक मिनट सर, बस एक मिनट ले रहा हूं सर, दो देर वेरियस केसेस जहां पे वो जीपी की या फिर टैक्सी एडिशन कर देते हैं, तो प्लीज ये डायरी में नोट कर लें सर। ऐसे केस के अंदर आप ये बोले सर, पहली बात तो परचेज के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट है कहां पे, बोलते हैं ना प्रॉफिट एम्बेडेड इन दैट, मेरा क्वेश्चन है मेरा सेल में तो प्रॉफिट हो सकता है, सर परचेज में कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तो या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा मार्केट प्राइस तो 100 रुपए था, राइट, आपने 110 में लिया, आपने 105 में लिया, तो यस यू कैन डू द एडिशन, पर इफ यू कांट प्रूव इट तो प्लीज नोट इट, मेरा पर्सनल मानना है आप एडिशन नहीं कर पाएंगे सर। नाउ ओवर टू यू ब्रिज जी, सॉरी आई एम सॉरी आई हैव टेकन 15 मिनट्स। आपका जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो इतने उसमें लीन हो जाते हैं, यू कैन बिकम सो एनग्रॉस्ड एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और पूरे प्रेजेंटेशन आपने बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल देके समझाया, और आपने कोशिश करा कि भाई आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी नॉट टू लर्न फ्रॉम हियर। बार बार आपने रिपीटेशन किया कि भाई नो एवरीबॉडी शुड लर्न, एंड दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी फ्रॉम अ स्पीकर दैट। और आपने ये भी काफ़ी चीज़ें बताई कि भाई कैसे किसी को बेनामी में प्रैक्टिस करना है, PMLA में प्रैक्टिस करना है, तो वो भी वो जजमेंट को पढ़ के आगे उसको अपनी बेसिक लर्निंग। दर्पण जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर, अगर आप आपको ठीक लगे तो। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट बोगस परचेज, ही वांट टू आस्क। हाँ जी हाँ जी प्लीज, तो दर्पण जी को अलाउ कर दें। तो दर्पण जी आप हैंड रेज करो जरा। दर्पण जी प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कुड दर्पण जैन जी सर। लक्ष्मी कैन यू अलाउ दर्पण जैन जी टू स्पीक, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, इफ ही रेजेस हिज हैंड आई कैन डेफिनेटली डू दैट। आई डिड दैट सर, दर्पण जी कर दो सर आप। अच्छा तो आपने इनको अलाउ कर दिया? हाँ इज देयर। हाँ हाँ दर्पण जी, दर्पण जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। दर्पण आप जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए अनम्यूट करने के लिए नीचे ठीक है सर, एक केस में सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो थर्ड पार्टी स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने बोगस परचेज
लगा के सारी परचेज को डिसअलाउ कर दिया. हमारे पास व्हीकल नंबर्स सारे अवेलेबल है, बैंक स्लिप अवेलेबल है, और सारा जो परचेज बिल और जो पेमेंट्स है वो भी थ्रू बैंकिंग चैनल ही है. तो उस केस में सर क्या एसएससी के पास या कंसल्टेंट के पास जी आप जो कह रहे हो, पहली बात तो आप जो स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये माल वाल कैसे गया हिसाब से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. पानीपत में क्या, पानीपत में केस क्या चल रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं. पानीपत में केस क्या चल रहा है, पानीपत में वो सेम वाला वो जो आपका घोटाला नहीं था आपका चारों, सेम वाला काम चल रहा है कि भैया गाड़ी गाड़ी नंबर आपने दिया वो ट्रक, आप समझाओ तो भाई अप्रिशिएट करो आप, पर वो है स्कूटर का नंबर ऐसा कुछ. सर नहीं सर, ड्यूरिंग असेसमेंट 148 का नोटिस सर्व हुआ था तो ये ना ही क्वेश्चन हुआ है गाड़ी नंबर, तो हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं गाड़ी नंबर के साथ ही, और ये क्वेश्चन नहीं पुट हुआ कि गाड़ी नंबर उन्होंने डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया है या नहीं किया है. इशू ये था कि जो थर्ड पार्टी स्टेटमेंट थी किसी के यहाँ मतलब बहुत बड़ी मतलब सेल दिखा रहे थे, तो उनके यहाँ मतलब जो सर्वे हुआ था उन्होंने कहा था जिन जिन पार्टीज को हमने माल बेचा है वो सारा बोगस है, बट हमारे पास एक्चुअल में माल आया भी है उसका प्रूफ वगैरह सब कुछ डिपार्टमेंट को दे रखा है हमने. दर्पण जी मैं आपको बताऊं, देखो मैंने आपको सबसे पहले एक जजमेंट दिखाई थी, अभी आपको याद होगा बीच में एसगॉन की जजमेंट, जहां मैंने बताया कि लेट अस से कि अगर वो स्टेटमेंट ऑफिस बात एसएससी ऑफिस तो ली नहीं, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ली या फिर किसी और डिपार्टमेंट ली होगी, राइट, चाहे वो इनकम कोई और डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर वो जुडिशियल एओ भी हो सकता है, यहां पे तो असेसमेंट तो आप एओ कर नहीं रहा, ये तो असेसमेंट यूनिट कर रहा है जी. Before relying on that statement, statement में उसने क्या बोला था कि आप मिस्टर प्रवीण अग्रवाल की स्टेट का बुला के उन्होंने पूछा कि आज भी उस स्टेटमेंट में खड़े हो नहीं खड़े हो आप. Let us say, आप किसी मान लो किसी ने कोर्शन के रूप में उसकी स्टेटमेंट ले लियो, मारपीट करके ले लियो स्टेटमेंट को, बात अट्रैक्शन कर दिया हो तो कौन ध्यान देगा इन बातों का. तो सही मायने में पहली बात तो आपका ये पॉइंट होना चाहिए सर कि आपने कैसे ध्यान दिया. दूसरी बात, ask for that statement along with corporate evidence also, right? Corporate evidence also, right? उस कॉर्पोरेट एविडेंस को आप बात करने की बात करो, उनको बोलो भैया मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन में मौका भी दो प्लीज. सर ये सारा कुछ दिया था उनको ड्यूरिंग असेसमेंट टाइम, अभी हम अपील में है उस केस में, तो हमने कंफर्म करने के लिए बोला था बट वो असेसिंग ऑफिसर ने कंफर्म नहीं करवाया. और अच्छी बात है सर आप ये आर्गुमेंट लेके जाए. और दूसरी बात सर, क्या आपने वो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बोल रहा था, मैं प्रिया मैम एक मिनट में कर रहा हूँ, एक मिनट में कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट में दर्पण जी को आंसर दे दूं, मैं आपको फिर आपको बता दूं जजमेंट का नाम बताया गाना करें आप. मैं आपको जो मेजर दर्पण जी मैं बता रहा हूँ, जो मेजर आपको जो काम करना है प्लीज अप्रिशिएट करें जी सर. प्राइमरी ओनर्स इज ऑन यू, प्लीज अप्रिशिएट करें. पहली बात तो बोगस परचेज में एडिशन सेक्शन 37 में होगी, 69 में नहीं होगी, जितनी एडिशन सब गलत है, आप समझ पाते हो, 37 में होगी. okay. में क्या बोलता है, लेट आउट और एक्सपेंडेड, पहली बात तो समझ ले. तो अगर आपको प्रूव करना है लेट आउट और एक्सपेंडेड होली और एसएससी बिजनेस, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये परचेज मैंने बिजनेस के लिए करी है. अब उसके लिए मैंने क्या बोला, क्या आपके परचेज बिल होना चाहिए, परचेज बिल के साथ आपका जीएसटी में क्रेडिट आना चाहिए, वो आपके पास कॉपी होगी, टू ए टू बी. सर वो टैक्स फ्री गुड्स है सर, तो टैक्स फ्री गुड्स है तो चलो ईवे बिल होगा, राइट, ईवे बिल होगा, ईवे बिल की कॉपी होगी, राइट. नहीं सर वो जीएसटी के पहले का भी है, पीरियड भी है ना जो जीएसटी के पहले का, 16-17 फाइनेंशियल ईयर है, तो 16-17 है मेरे भाई, कोई भी है 16-17 है, तो कोई माल आया हो तो बिल्टी की कॉपी होगी आपके पास जी सर, राइट, बिल्टी कॉपी भी होगी. हाँ जी, मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव कर पाएंगे, मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव करें पहली बात तो. हाँ जी, मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रूव करते हैं, पेमेंट आपने कैसे दी है, अगर अकाउंट पे चेक दी है, अकाउंट पे चेक दी है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट कॉपी लगा लें. और मैंने आपको साथ ही साथ एक बात और बोली थी, कोशिश करें सर बैंक से सर्टिफिकेट भी ले लें कि भैया मैंने इन्हीं को इस अकाउंट में पेमेंट करी है, जिसमें वो अकाउंट नंबर भी आ जाए. सर जो बैंक स्टेटमेंट वाला इशू है ना, उसमें क्या है कि जो जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया ना, उसने ये बोल दिया कि बैंक में मुझे पैसा आता था, मैं उसको निकाल के वो उसको यूज कर लेता था साथ ही साथ. कहाँ यूज कर लेता था वो पता नहीं, वो साथ ही साथ जो जहाँ से बिलिंग करवाता था. क्या आपने अपने बैंक में पैसे जमा किए हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. नहीं सर, नहीं हमने कोई पैसा नहीं जमा किया सर. आपके पहली बात, आप ये बताएं कि सर मेरे बैंक के अंदर कोई पैसा जमा भी नहीं हुआ, राइट, ऐसा तो है नहीं कि प्रूफ हो रहा हो कि वो पैसे घूम के मेरे पास आए. हाँ जी बिल्कुल सर, वो नहीं प्रूव हो रहा रजिस्टर, मेन बताया था मैंने सर आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जो मेजर पोर्शन था जिसपे आपने हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, सेल्स आपकी. ब्रजेश ने पॉइंट को बहुत तेजी से पकड़ लिया था, क्या बिना बिना परचेज के सेल हो सकती है क्या, बिल्कुल सर. केस में वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, नहीं लगाया सर, नहीं लगाया, नहीं लगाया, तो बिना बिना परचेज के सेल कैसे हो जाएगी. सर ठीक है सर, सेल्स को जस्टिफाई करें, मैं क्लियर हूँ आपको. ओके ठीक है सर, अब जो जजमेंट है वो जजमेंट का नाम सुन लें सर, मैं जजमेंट का नाम दे देता हूँ आपको दोबारा. जजमेंट का नाम है एक्सॉन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड. हाँ एक्सॉन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सर, 2022
हाँ जी। और सर इसमें ये तो नहीं है कि कन्फ्रंट हमने बोला था कि जो स्टेटमेंट जिसने दिए, तो आपने आर्गुमेंट लेने ही लेना सर, कोई दिक्कत सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, एकदम बहुत बड़ा मिथ है हम लोगों में, हमें एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया ऑडियन बिल्डर्स लगा देते हैं हम कि भैया वो तो केस आएगा। अप्रिशिएट करें स्टेट, अगर आपका केस सिर्फ स्टेटमेंट रिलाय ऑन है फिर तो ऑडियन बिल्डर्स लगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राइट, दिस केस विद क्वायर, ये ऑडियन ऑडियन बिल्डर्स की जो साइट बताना एक बार, बताया तो दोनों बताया दोनों बताया, तो मैं जैसे आपको याद आ रहा था मैं बोलता रहा हूं, आपको जनरल बताया दोनों बताया ऑडियन बिल्डर्स। राइट, पर हैविंग सेड दैट प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर मान लीजिए आप स्टेटमेंट के अलावा कुछ और एविडेंसेस भी हैं, तो ऐसे केस में क्या है, अगर मान लीजिए ब्रिजेश जी को मैंने मौका नहीं दिया स्टेटमेंट के को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो स्टेटमेंट अलग रख दिया जाएगा, अब देखा जाएगा कि जो बाकी एविडेंस है क्या एडिशन हो सकती है नहीं हो सकती। आपको फर्क जो समझाने की बार बार कर रहा हूँ, कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है यार, यहाँ पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया, यहाँ पे भी क्रॉस एग्जामिनेशन दिया, यहाँ पे तो केस उड़ा दिया, यहाँ पे पार्टी के खिलाफ कर दिया, दोनों में फर्क क्या है, जो पहला केस है जहां पे उड़ाया गया है वहां पे सिर्फ आप स्टेटमेंट पे रिलाय अपॉन कर रहे हो, डिपार्टमेंट स्टेटमेंट रिलाय अपॉन कर रहा है। राइट, जब वो स्टेटमेंट हट गई, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में मौका नहीं दिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही नहीं दिया, तो ऐसे केस में केस खत्म। पर आपके पास स्टेटमेंट भी है और साथ ही साथ कुछ एविडेंसेस भी हैं, तो उस स्टेटमेंट को हटा दोगे आप, अब उस एविडेंस के बल पे देखोगे कि क्या आपकी एडिशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। सर एविडेंस तो सारा फेवर में ही है, बट असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ स्टेटमेंट पे रिलाई करके, मैंने बता बेसिकली आज की डेट में मेन की है आज ड्राफ्टिंग है, प्रॉब्लम कहां है, हमें पुराने तरीके से काम करना आता है। राइट, जहां पे हम ऑफिसर को मिलते थे, और आपको पता है मिलने का क्या मतलब था, अब चीजें फर्क आ गई, द की इज कि क्या आपकी ड्राफ्टिंग सही है या नहीं, दैट इज द की, सारी चीज बात बोल पा रहे हो, सारी चीज समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो। कई बार हमें लगता है हम समझा पा रहे हैं क्योंकि हमें सारा केस पता होता है, पर सामने वाले को पढ़ के कंफ्यूजन हो जाता है, आप समझ पाते हो भाई, ड्राफ्टिंग आप ड्राफ्ट कैसे कर रहे हो, कैसे अपने केस को पुटअप कर रहे हो, दैट इज द की। ठीक है सर, एनीवेज वैसे ये फेस टू फेस वाला ही मतलब केस है हमारा, फेसलेस वाला नहीं था, बट स्टिल सीआईटी बिल में तो आप उस पे हो ना सर। नहीं सर, सीआईटी अपील्स भी फेस टू फेस है, बट वो भी उसकी मतलब हियरिंग अभी चालू नहीं हुई है, जो वैसे केस उस 148 के असेसमेंट है वो फेस टू फेस हुई है, क्योंकि सेंट्रलाइज केस है ना ये, इसलिए हाँ एकदम ठीक है। अच्छा मैं समझ गया सर, चला मैटर होगा। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे सर, ये आर्गुमेंट ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, प्रिया दत्री, शी आई थिंक शी वाज आस्किंग अबाउट द साइटेशन। सर कौन सा वाला, सर साइटेशन एक्सॉन ग्लोबल प्रिंटेड है सर, 2022 का जजमेंट है। आई थिंक वी शुड क्लोज द सेशन नाउ। राजू से वहां पे तो कभी रुचिका मैम कह रही कुछ क्वेश्चन पूछनी है दफ्तरी ने, प्लीज। अच्छा वन क्वेश्चन, हाँ रुचिका मैम पूछ रही हैं। अच्छा ओके ओके, मैं एक बार कर देता हूँ सर उनको ना। सॉरी शी इज रिटन, सॉरी शी इज रिटन, जारी कर दिया सर कर दिया रुचिका मैम को ना मैंने। हाँ रुचिका, आप या आपकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। श्रीपाल, श्रीपाल वांट टू, श्रीपाल दफ्तरी, ही वुड लाइक टू गेट अनम्यूट। कर दिया सर मैंने, दोनों कर दिया सर, थैंक यू। अच्छा मैम रुचिका मैम, श्रीपाल जी या फिर वो नाम है प्रिया दफ्तरी, प्रिया दफ्तरी मैम। सर श्रीपाल हियर, श्रीपाल जी बोलिए। सर एक प्रोजेक्ट फाल्कन का केस है, ये जो अभी सेंट्रलाइज कुछ इंक्वायरीज हुई थी, डिपार्टमेंट ने कहीं और इंक्वायरी की है, जैसे कलकत्ता में की है, कुछ ब्रोकर्स के यहाँ पे इंक्वायरी की है जी, और उसके रिलेटेड हमारे असेसी पे वो उन्होंने बोलते कि अनरीजनेबल कुछ प्रॉफिट्स, या वो जो रीजनेबल नहीं है, मतलब आपने अगर एक ही पार्टी को बेचा है, एक ही पार्टी से खरीदा है, लाइक दैट द केस इज गोइंग ऑन, हमारे को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी नहीं मिला है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ने वो कंप्लीट कर दिया है, उसमें नोटिस भी हमारे को 31 मार्च 2021 को ही सर्व किया गया है, फर्स्ट नोटिस भी, और जुरिस्डिक्शनल एओ ने किया है सर, ठीक है। तो सर आपके केस में देखिए दो चीजें सर, देखो आप असेसिंग ऑफिसर से तो ये बात भूल जाए कि उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की स्पेलिंग भी बताया नहीं, बता वेरी सॉरी टू से अबाउट दैट थिंग, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। आप दो
ये सारी बातें आपको देखो, आपको सीआईटी के लिए आईटीएटी पे ही बोलना पड़ेगा, आपको फायदा मिलेगा इस मतलब सब चीजों का अप्रिशिएट कीजिएगा। आपको तो उल्टा बेटर है आपकी आपके केस के अंदर अगर उसने नहीं मौका दिया, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अब अगर मान लीजिए आपका केस अगर सिर्फ स्टेटमेंट रिलाय अपॉन कर रहा है, पूरा केस उड़ जाएगा, गेम खत्म। मैंने ओडियन बिल्डर्स बताया, सुप्रीम कोर्ट आप नोट कर ले। केस का नाम क्या सर? तो ओडियन बिल्डर्स में, एक मिनट जजमेंट आपको, जजमेंट एक मिनट बताया, होल्ड कीजिए। ओडियन बिल्डर्स, ओडियन बिल्डर्स, ओडियन बिल्डर्स, हाँ सर, बहुत सारी जजमेंट है सर, अंडमान अंडमान टिम्बर है, सेटलाइज़ में बहुत सारी जजमेंट है सर, ऐसी बहुत सारी जजमेंट है सर। वी हैव साइटेड दिस अंडमान टिम्बर आल्सो, लेकिन वो उनका मतलब वो वन साइडेड असेसमेंट चलता है सर। आप सर, आप एसएससी ऑफिसर बोल दो, एसएससी ऑफिसर बोल दो, मैं कह रहा हूं आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फायदा मिलेगा सीएटी पी या फिर आईटीटी में। पर हैविंग सेड दैट, वो भी पेन लेस है सर। सुन तो लीजिए मैं कह रहा हूँ आपकी ड्राफ्टिंग इज द की, मैं आपको बार बोल रहा हूँ ड्राफ्टिंग इज द की। तो लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा जो आपका पर्टिकुलर केस है, वेदर इट इज रिलाइंग ऑन वन स्टेटमेंट ओनली और देयर वाज सम एडिशनल एविडेंसेस आल्सो व्हिच इज एक मिनट सॉरी, आपका केस नहीं बता, फैक्ट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ सर, प्लीज अप्रिशिएट, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 भी बज गए। मैं कह रहा हूँ अगर आपका जो क्वेश्चन है, जो इशू है उनका, सिर्फ स्टेटमेंट पे है, अप्रिशिएट कीजिएगा सर, केस आप जीत जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आपका केस सर स्टेटमेंट के साथ कुछ एडिशनल एविडेंसेस पे है। अब ऐसे केस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात होगी, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आपने प्राइमरी ओनर्स आप पे था, आपने सेटिस्फाई किया या नहीं किया, दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन शिफ्टेड और नॉट। इफ बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन शिफ्टेड और उन्होंने ओनरशिप किया, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, लेट अस से आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, एड्रेस दे दिए, तो उसने बोला भाई साहब एक काम करते हैं कि आप हमने इनको 133/6 दिया है, ये नहीं आ पा रहे। अब दोबारा बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे शिफ्ट हो गया, पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, अब उसने 133/6 किया, अब आप पे आ गया। अब ऐसे केस के अंदर आपने बोला सर ये इसके एड्रेस है जो मेरे उस पे आ रहे हैं, और आपने सारी बात लिखी, स्टॉक लिस्ट वाली सारी बात लिखी, और लिखने के बाद आपने क्या बोला कि सर आप 131 कर लें, इनकी ये बैंक अकाउंट नंबर है जहां पे मैंने पेमेंट करी है, ये इसका जीएसटी नंबर है, वहां पे 131 कर लें। अब डिपार्टमेंट नहीं करता, तो अप्रिशिएट कीजिएगा बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से सर पेंडुलम डिपार्टमेंट की तरफ था, डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन प्रूफ था, वो उसे सेटिस्फाई नहीं किया, केस आप जीत जाएंगे। और मान लीजिए आपने प्राइमरी ओनर्स ही प्रूफ नहीं किया, आप बोल रहे भाई साहब तो इसी बात पर लड़ रहे हो, भाई साहब मुझे स्टेटमेंट की कॉपी दो, मुझे स्टेटमेंट की कॉपी दो, और प्राइमरी ओनर्स आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सर गेम खत्म, एडिशन आपके हाथ में होगी सर। सर आपका मेल आईडी मिल सकता है सर? सर मेरा नंबर नोट कर ले सर, 9813-8103-8183-8763-9803-87163-NITIANKANWAR@globalca.in ठीक है सर, मैं आपसे। और नितिन जी थैंक्स फॉर हैंडलिंग ऑल दी क्वेरीज, और मैं कहूंगा कि अब सबके पास इनका नंबर भी है, मेल आईडी भी है, तो डेफिनेटली प्लीज बी इन टच विद हिम and try to get solutions to your queries. Thank you, sir. Thank you. So now thank I would like to close this session here. Mohan ji, aap hain? Mohan ji? Ashok ji, aap screen par. So seminar sabko kaisa laga wo bata de, kyunki mere ko Brijesh ne bola ki Nitin response tera acha nahi aayega, to agli baar nahi bulayenge hum. So kaisa hai response? Chaliye, please share your feelings here. आपको सेमिनार कैसा लगा, प्लीज शेयर योर फीलिंग देयर। यस वी कैन सी सो मेनी थम्स, यस यस कमिंग हियर, सो मेनी रिएक्शंस आर देयर। जी ब्रजेश जी एंड नितिन जी सर वेलकम अशोक सर, रियली इट वाज एब्जॉर्बिंग मन and we cannot match your speed and clarity. sorry No, it is on the positive side that with speed and clarity and covering in a man in 2 hours the entire ambit of things and with the crisp analysis of the judgment, it is really appreciable. And so take it on the positive side. The point is that not on the Ashok ji kehna chahte hain ki you are fast,
It doesn't mean that I need to be fast. I'm slow. ये दो सर ये प्रॉब्लम है मेरे साथ थोड़ा सा मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ नहीं 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 but it is with very clarity that is a point basically and you have that patience that you ask the viewer and participant that if anything you want you repeat it you have repeated I think the jaiments 6, 7, 8, 10 times that is so really and you have given really valuable clues ke how to defend how to present the case and it is giving me impetus that I should also become active in this thing great sir bahut yes chaliye so much of thanks de dijiye thanks a lot and I think further similar absorbing sessions will be we will be enjoying your absorbing sessions and with participation is also good more than 200 plus or 230 or 25 like that it is a good participation thanks a lot to Center Delhi and Brijesh ji and Mohan ji and Ashok ji for giving this wonderful opportunity thank you sir my pleasure welcome sir Lakshmi thank you you can close this session now book a webinar Lakshmi you can close this session now thank you it's on your screen now the end option is on your screen okay I'm ending this webinar yes sir thank you thank you